तो आप सबका आज के इस पावन दिवस पर, गौर पूर्णिमा के दिवस पर, सबका मंदिर में स्वागत है। श्री गौरांग महाप्रभु की गौरांगा। आदि लीला श्री चैतन्य चरितामृत 13वें अध्याय में भगवान के आविर्भाव का वर्णन आता है। तो उसमें लिखा है, पाइया मनुष्य जन्म ये न सुने गौर गुण, है नो जन्म तार व्यर्थ होइला। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद अगर श्री गौरांग महाप्रभु का परिचय नहीं हुआ है, श्री गौरांग महाप्रभु कौन है ये पता नहीं है, श्री गौरांग महाप्रभु के लीलाओं के विषय में ज्ञान नहीं है, तो ये जन्म को व्यर्थ मानना चाहिए। है नो जन्म तार, उस व्यक्ति का जन्म व्यर्थ हो गया। पाइया अमृत धुनी पिए विषय गर्त पानी, ये गौरांग महाप्रभु के जीवन चरित्र की अमृत धारा उपलब्ध होने पर भी जो इस भौतिक दुनिया के इंद्रियों के भोगों का विष ही पान करता है, एक तरह से पिए विषय गर्त पानी यानी गटर का पानी जो पी रहा है। जन्मिया से केते नहीं महिला, जन्म होते ही वो आदमी मर क्यों नहीं गया, ऐसे कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं। फिर गोपाल भट्ट जी के चाचा जी वेंकट भट्ट जी के भाई प्रबोधानंद जी सरस्वती महाराज, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है चैतन्य चंद्रामृत, उसमें वो कहते हैं, प्रसारित महाप्रेम पीयूष रस सागरे, चैतन्य चंद्र प्रकटे ए दिनों दिन ए वसह, अवतीर्णे गौर चंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे, सुप्रकाशित रत्नौघे ये दिनों दिन स एव सह। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्राप्त भक्ति अमृत का पान नहीं कर रहा है और कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के सदैव विस्तीर्ण यानी सदैव विस्तारित होने वाले सागर से उनके विषय में जो रत्न है वो नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सबसे गरीब से गरीब कहा गया है। ये दिनों दिन एव सह, ये ऐसा दिन कोई व्यक्ति नहीं, इससे कोई और दिन व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो महाप्रभु चैतन्य के इस कलयुग में आने पर भी उनके द्वारा सदैव विस्तारित होने वाला जो अमृत का सागर है उसके अंदर से रत्न कोई अगर नहीं उठाता है, उसका आनंद नहीं लेता है, तो ये जीवन व्यर्थ मानना चाहिए। तो ऐसे आगे लिखा है उन्होंने ही प्रबोधानंद जी सरस्वती महाराज ने कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी मानता है या समझता है कि मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, अपने आप को पंडित मानता है, और अगर वो चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझता है, इस तत्व को महाप्रभु चैतन्य के तत्व को नहीं समझता है, तो ऐसा समझना चाहिए कि वो उस दुनिया के जंगल में बेकार ही भटक रहा है। तो मतलब कितना विरोधाभास है, एक तरफ सोचते हैं कि हम कितने पंडित हैं, कितना ज्ञान है, वेदों का पठन किया हुआ है, तपस्या किया हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु के विषय में ज्ञान नहीं है तो उस व्यक्ति को मूर्ख भाव से भटका हुआ व्यक्ति माना जाता है, पूरा ज्ञान ही भटका हुआ है, जीवन ही भटका हुआ है, पता नहीं कहाँ पहुँचेगा। उसी प्रकार से अगर कोई समझता है कि मैं राधा कृष्ण की भजन करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ, अगर उन्हें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का परिचय नहीं है तो उनकी राधा कृष्ण की भक्ति भी व्यर्थ है, क्योंकि राधा कृष्ण की भक्ति जो है वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और उनके अनुयायी छह गोस्वामी इन्हीं के द्वारा उसका सही रूप में साक्षात्कार होता है। बाकी जो हम सोचते हैं हम कर रहे हैं वो सब इल्यूजन है, भ्रम है। तो ऐसे परम करुणामयी चैतन्य महाप्रभु का आज जन्मदिन है। तो प्रथम आदि लीला के प्रथम अध्यायों में कवित कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके जन्म की पहले भूमिका बनाते हैं, उनके विषय में भूमिका बनाते हैं, इस तत्व को समझाते हैं और फिर उनके जन्म का वर्णन करते हैं। समय ऐसा है करीब 550 साल पहले सब जगह भारतवर्ष में और खास करके नवद्वीप में भी जो एक समय पर विद्या का
सर्वश्रेष्ठ अधिष्ठान हुआ करता था। उस जगह पर जो लोग अपने आप को भक्त मानते थे या भक्त थे या शास्त्र का अध्ययन करते थे, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग कुत्ता और कुत्ती का विवाह करते थे, बिल्ली और बिल्ली का हस्बैंड उनका विवाह करते थे, गुड्डा और गुड्डी का विवाह करते थे, और कभी साल में एक बार अगर कोई उत्सव आया तो उस दिन ही केवल गोविंद का नाम लेते थे, और साल भर में कभी कृष्ण का, विष्णु का, गोविंद का नाम नहीं लेते थे, और अपने आप को पंडित समझते थे। इतना धर्म का पतन हो चुका था, चार नियमों का पालन भी ब्राह्मण भी तोड़ रहे थे उसको, बहुत ही भयंकर अवस्था थी। उसके पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने, यानी कृष्ण भगवान ने, जब ये निर्णय लिया कि मैं आऊँगा, इसके पीछे भी भूमिका ये थी कि उन्हें कलयुग के युग धर्म को प्रस्तावित करना था, अद्वैत आचार्य की पुकार को रिस्पॉन्ड देना था, प्रतिसाद देना था, और सबसे महत्वपूर्ण बात राधा रानी के प्रेम का रहस्य उनको खुद को समझना था। जब उन्होंने तय किया कि हमको आना है, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और बड़े बड़े भक्तों को नीचे भेज दिया, अलग अलग जगह पर उन्होंने जन्म लिया। श्रीवास ठाकुर, श्री हट्ट नाम के जगह पर सबका जन्म हुआ, बड़े बड़े विद्वानों का, महान भक्तों का, और वो देख रहे थे कि इतनी स्थिति खराब है कि उन्होंने अनंत प्रयास करने के बाद भी उनको यश नहीं प्राप्त हो रहा था। तो उस समय द्वैत आचार्य शास्त्र पढ़ रहे थे, उन्होंने सोचा कि जब तक स्वयं कृष्ण नहीं आते तब तक इन लोगों का उद्धार कौन कर सकता है, और उन्होंने ये भी पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक भावना से शालिग्राम शिला का गंगा जल, तुलसी और चंदन के साथ में प्रेम पूर्वक सेवा करता है और पुकारता है भगवान को, तो उसकी पुकार भगवान सुनते हैं और वो नीचे आ जाते हैं। तो उन्होंने फिर सब प्रचार प्रचार बंद कर दिया और गंगा किनारे शांतिपुर में बैठकर शालिग्राम को सेवा करना आरंभ किया और जोर जोर से पुकारने लगे भगवान कृष्ण का नाम। तो समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने तय किया कि मैं आऊँगा। तो इसके वर्णन ऐसा है इतिहास का कि मधु मिश्रा नाम के एक बहुत ही विद्वान और भक्त, प्रामाणिक भक्त थे, उनको चार पुत्र थे, एक का नाम था उपेंद्र, दूसरे का नाम था रंगद, तीसरे का नाम था कीर्तिद और चौथे का नाम था कीर्तिवास। इसमें से उपेंद्र जो नाच रहे हैं उनको खुद को नहीं पता चल रहा था कि हम इतने नाच क्यों रहे, इतना आनंद का अनुभव क्यों हो रहा है, क्योंकि उस समय वहाँ नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव हो गया था और उस प्रेरणा से वहाँ पर अनंत दान करके, नित्य करके, भगवान के नाम का संकीर्तन करके उसको भाग के चले। सबसे पहले श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी और चंद्रशेखर आचार्य की पत्नी और सब लोग वहाँ पर आ गए इनके घर पे, और सब लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन लाए थे। अभी आजकल के ज़माने में हम लोग सब लोग कल्चर भूल गए, लेकिन हल्दी, सरसों और तेल और चावल और अलग प्रकार के जड़ी बूटियाँ और अलंकार और वस्त्र और फूल फल सब भर भर के वो लोग लेके आए, और बालक का दर्शन करके बालक को खूब हृदय भर के आशीर्वाद दिया उन्होंने। और उस समय देवता लोग ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर उस घर में प्रवेश किया उन्होंने। उनका आंगन जो है उसे हजारों लाखों लोगों से भर गया था, और उसमें सची देवी और सब लोग बालक को ले लेकर उनको आशीर्वाद दे रहे थे। सची देवी देख रही थी कि बहुत सारे लोग इसमें से पहचान के नहीं थे, जो नवद्वीप वासी नहीं थे। देखो विशेष बात यह है कि नंद महाराज के बारे में भी ऐसा ही हुआ था। नंद महाराज को कृष्ण की प्राप्ति हुई थी तो यशोदा और नंद महाराज भी देख रहे थे नंदगांव में, गोकुल में, कि ऐसे बहुत लोग आए थे जो उनको पहचान के नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी प्रजा के हर एक व्यक्ति को वो पहचानते थे, अपने गौधन में से हर एक गाय को और बैल को पहचानते थे, हर एक भैंस को, भैंसा को पहचानते थे, हर एक बकरी को पहचानते थे। इतना उनका राजा होना परिपूर्ण था। उसी प्रकार से ब्राह्मण रूप में जन्म किए हुए नंद महाराज के अवतार जगन्नाथ मिश्रा और यशोदा की अवतार शची देवी भी अपने गांव के सभी लोगों को जानते थे, इसलिए उनको लग रहा था कि ये तेजस्वी लोग जो स्त्री और पुरुष हैं ये हमारे गाँव से नहीं हैं। लेकिन क्या कहते हैं उसको, संकोच की वजह से वो पूछ नहीं पाए। कभी कभी होता है ना शादी में, देखो कभी कभी बहुत ऐसे लोग आ जाते हैं कपड़ा वड़ा पहन के, हाँ ये लोग पूछेंगे तो बोलते हैं उस साइड से,
वो लोग पूछेंगे, बोलते हैं हम इस साइड से हैं। दोनों लोग संकोच से उनको पूछ नहीं सकते हैं कि आप कौन हो, कार्ड है क्या आपके पास, सब पूछ नहीं सकते हैं। हो सकता है उस तरफ के लोग हों, उनको लगता है हो सकता है इस तरफ के लोग हों, और कोई भी संकोच से उनको पूछ नहीं पाता है। उसी तरह से सच्ची माता को बार बार प्रश्न हो कि इनको पूछूं कि इतने दिव्य तेज वाले लोग आप कौन हो, और कौन थे वो? वो इंद्र, इंद्राणी, ब्रह्म, ब्रह्माणी और सारे देवता अपने अपने पत्नियों को लेकर वहाँ पर भेंट वस्तु, दिव्य दिव्य भेंट वस्तु लेकर विराजमान हो गए थे। सब लोगों ने गौरांग महाप्रभु यानी निमाई बेबी को आशीर्वाद दिया। और उस समय ऐसे लिखा है कि देवताओं ने थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा विनोद भी किया। कभी छायाएँ उत्पन्न की वहाँ पर, ऐसे लंबी लंबी छायाएँ, तो लोगों को लग रहा कि भूत प्रेत आ रहा है, कि कोई घोष्ट आ रहा है, कि कौन आ रहा है। तो बोले अरे उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, वो मंत्री को बुलाओ, तांत्रिक को बुलाओ, ये सब क्या हो रहा है। और वो थोड़ी सी भगदड़ सी मच गई, थोड़े कन्फ्यूज से हो गए सब लोग। तो देवता लोग बड़े आनंद ले रहे थे उस समय। तो इस प्रकार से सच्ची देवी का जो ये उत्सव था जगन्नाथ मिश्रा का, इसको आनंदोत्सव कहा गया है, जाति कर्म संस्कार भी कहा गया है। और बड़ी धूमधाम से ये उत्सव मनाया गया। उसके बाद में दो दिन के बाद में अद्वैत आचार्य की पत्नी आई वहाँ पर। क्या नाम था उसका? सीता देवी। अद्वैत आचार्य बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न थे। तो इसमें पहले ये वर्णन किया है कि श्रीवास की पत्नी आई, तो श्रीवास से ब्राह्मणी नामता रमालिनी आचार्य रत्न पत्नी संगे, आचार्य रत्न यानी चंद्रशेखर आचार्य, उनकी पत्नी के साथ में मालिनी आ गई। सिंदूर हरिद्र तैल खाई कला तारिकेला दिया पूजा नारीगण संगे, 13वें अध्याय में वर्णन है इसका, कि सब लोगों ने आकर सिंदूर, हरिद्र यानी हलकुंड, केला, और वो अलग प्रकार का केला होता है जो हमारे वसई में मिलता है, लंबा लंबा केला होता है, वो मायापुर में मिलता है, ऐसे सुंदर केले लेकर वहाँ पर आए। उन्होंने बालक का पूजन किया और बालक को आशीर्वाद भी दिया। जगन्नाथ मिश्रा ने सब लोगों को मिठाई बांटी। और उसके बाद में वहाँ पर सीता देवी आई। सीता देवी का ऐश्वर्य वर्णन किया है, वो पालकी में बैठकर आई, बहुत सारे अपने दासियों को लेकर आई। वो स्वयं अलंकार से विभूषित थी और दासियाँ भी अलंकार विभूषित थी, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुई थी। क्या क्या पहना हुआ था? बाजूबंद, कंठहार, नुपुर, कंगन, सोने के मोहरे लेकर आई थी। व्याघ्र नग हेमनडी कटिपट सूत्र दोरी, यानी वो क्या क्या लेके आई थी? अनंत प्रकार के व्यंजन लेके आई थी। वो बाघ के नख होते ना, टाइगर नेल्स, जिसको स्वर्ण में उन्होंने सेट किया था। और वस्त्र, रेशमी वस्त्र लेकर आई थी, कट्टीपत्त सूत्र दोरी, हस्तपदेर यत आभरण, सब प्रकार के हाथों के लिए, बाजू के लिए, कंधे के लिए, गले के लिए, कटी के लिए, जितने भी आभूषण होते हैं सब आभूषण लेकर आए थे। चित्रवर्ण पट्ट सारी बुढ़ी पट्ट पट्ट पाड़ी, जो बुने हुए वस्त्र हैं वो लेकर आई थी। जो रेशमी वस्त्र है जिस पर वो एम्ब्रॉयडरी भरत काम किया गया था, वैसे वस्त्र लेकर आई थी। स्वर्णरप्य मुद्रा बहुधन, स्वर्ण के, चांदी के बहुत धन लेकर आई थी वो सबको बांटने के लिए। और साथ साथ में क्या लाई थी? क्योंकि बंगाल में चावल आता है ना, तो चावल के हरा जो काटते ना, हरा भाग, वो लेकर आए थे, चावल की पैड़ी, फिर चावल के धान्य लेकर आई थी। गोरोचन जो गाय के अंदर का एक विशिष्ट द्रव्य है वो लेकर आई थी। हल्दी, कुमकुम, चंदन लेकर आई थी। उन्होंने सब वस्तुओं से लेकर निमाई की नज़र उतारी। और उस समय जो सीता देवी का जो अनुभव था, जब बालक का अवलोकन किया सीता देवी ने, तो उनको ऐसा लगा कि ये स्वक्षात कृष्ण ही है, केवल रंग अलग है बस। लेकिन 8 बालक कन्याओं का मृत्यु हो चुकी थी, थोड़ा भय भी था उनको भूत प्रेत का या किसी टोने का, इसलिए उन्होंने उस बालक का नाम निमाई रखा। निमाई रखने का दो तीन कारण थे। एक तो नीम के पेड़ के नीचे भूत प्रेत कोई रहते नहीं हैं, तो जब भी बहुत लोगों की मृत्यु होती ना, तो बालकों को ऐसे नाम देते हैं, दुखी, हाँ, इस प्रकार के नेगेटिव नाम देते हैं, नकारात्मक नाम, ताकि उनको किसी की नज़र न लग जाए। एक तो नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ तो निमाई नाम पड़ा, और नीम के पेड़ का नाम दिया क्योंकि उसमें कोई भूत प्रेत का परिणाम नहीं होता है, इसीलिए सीता देवी ने भी उनको निमाई नाम दिया। और सभी जो पड़ोसियों की औरतें थी उनको हमेशा कृष्ण की याद आती थी उनको देखकर, तो उन्होंने उनको गौर हरि नाम रखा। और उसके बाद में विश्वंबर नाम रखा नाना जी ने, यानी नीलंबर चक्रवर्ती ने।
नीलंबर चक्रवर्ती को आमंत्रण दिया गया, वो आए कुछ दिन के बाद में, उन्होंने जातक उनका बनाया, जातक यानी कुंडली बनाई उसका। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर विस्तारपूर्वक वर्णन दिया है कि उस समय, आज भी अगर कोई ज्योतिष शास्त्री है तो वो उनके जो डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ पर, उसको देखकर चैतन्य महाप्रभु का कुंडली बना सकते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद में उसको विस्तार स्वरूप में वर्णन करके उसके तात्पर्य में लिखा है अमृत प्रवाह भाष्य में, और उसको प्रभुपाद जी ने और विस्तार रूप में दो तात्पर्य उनके, हाँ, 13वें अध्याय में 120 के पास श्लोक है, वो दो श्लोक हैं उसमें चैतन्य महाप्रभु के पूरे कुंडली का विस्तारपूर्वक वर्णन दिया है। और उस वर्णन को पढ़कर नीलांबर चक्रवर्ती कहते हैं कि इनका जो जन्म है ये बहुत ही दिव्य पुरुष हैं, प्रत्यक्ष बताते नहीं कि ये भगवान है करके, लेकिन तीनों लोगों का उद्धार करने वाले हैं, ये बालक तीनों लोगों का उद्धार करेगा, इसलिए ये विश्व का पालन करने वाला बालक है, इसलिए उसका नाम विश्वंभर रखा कि सभी विश्व उनको देखो, एक प्रकार से बता रहे हैं कि भगवान है, एक प्रकार से वो बता भी दे रहे हैं कि भगवान है। तो जो माधुर्य भाव में है ना, जो भगवान को भगवान नहीं समझते, सबसे पहले नवद्वीप में और ब्रज वृंदावन धाम में क्या होता है, जो जो जन्म लेने के योग्य होते हैं उनके उनके ज्ञान का पहले भगवान हरण कर लेते हैं। कौन से ज्ञान का हरण कर लेते हैं कि मैं भगवान हूँ, इस ज्ञान का पहले भगवान हरण कर लेते हैं और फिर उन लोगों को ब्रज में या नवद्वीप में जन्म देते हैं। तो ये जगन्नाथ मिश्रा है या सच्ची माता है या आसपास के गोपियाँ हैं, जो जो भी लोग रहते हैं वो किसी को पता नहीं कि ये भगवान है। तो एक तरह से भगवान के तरह उनका ज्योतिष बताया जा रहा है, लेकिन कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये भगवान है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से नीलांबर चक्रवर्ती उनके भविष्य का वर्णन करते हैं। सीता ठाकुरानी का हृदय जो है वो वात्सल्य से पिघल रहा था उस समय, इतने सुंदर अंग वाले निमाई को देखकर वो भाव विभोर हो गई और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम जुग जुग जियो, बहुत दीर्घ आयु के लिए जियो। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में जन्म लिया। अभी वो स्थान जो है उसका भी आपको सबको थोड़ा वर्णन करना और समझना ज़रूरी है कि कौन सी जगह पर महाप्रभु ने जन्म लेना तय किया। राधा रानी एक बार गौलोक में कृष्ण के संग की इच्छा कर रही थी और जब उस अपेक्षा से वो कृष्ण के पास जाने लगी तो उनको पता चला कि उस समय वो विरजा गोपी के साथ में एकांत में, तो श्रीदामा जी उस कुंज के निकुंज के दरवाजे पे खड़े किए गए हैं पहरेदार के रूप में, तो राधा रानी को रोकते हैं वो और वो कहते हैं कृष्ण से मिलना है, तो कृष्ण यहाँ पर नहीं है और ये बाहर की भगदड़ सुनकर विरजा नदी बन जाती है, कृष्ण गायब हो जाते हैं। श्रीदामा कहते हैं कोई नहीं यहाँ पर, आप जाके देखो, कोई मिलता नहीं वहाँ पर। फिर उनको विरजा गोपी और कृष्ण के मिलन की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो फिर राधा रानी वहाँ पर आती है, तो फिर श्रीदामा रोकते हैं, मतलब कोई नहीं यहाँ पर, लेकिन उनको आवाज़ सुनाई पड़ रही तो वो क्रोधित हो जाती है। तो समय राधा रानी तय करती है कि मैं ऐसा एक कुंज बनाऊंगी कि जिसको छोड़कर कभी कृष्ण जा ही नहीं सकते। तो फिर पृथ्वी पर नवद्वीप, इस जगह पर जहाँ पर आज नवद्वीप है, वहाँ पर राधा रानी ने अपने हाथ से उस कुंज का निर्माण किया। सारे वृक्ष वेलियाँ अपने हाथ से बोए, सारे सुंदर सुंदर पंछियों को गौलोक वृंदावन से वहाँ कर बसाया, इतने सारे वन उत्पन्न किए। और फिर राधा रानी ने वहाँ बैठकर मुरली बजाई है, इतनी सुंदर मुरली बजाई है कि उसकी तान सुनकर कृष्ण वहाँ भागकर गौरांग महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने वादा किया कि मैं तुम्हारे इस सुंदर निर्मिति से इतना प्रसन्न हूँ कि अब मैं यहीं रहूँगा और मैं अकेला नहीं, मेरे सारे भक्तों को, ऋषियों को, मुनियों को भी यहाँ पर आह्वान दूंगा और यहाँ पर विराजमान करूँगा। उनकी इच्छा से सारे ऋषि मुनि वहाँ पर आकर बस गए और वही है मायापुर नवद्वीप धाम। जो नवद्वीप कैसे बन गया उसका भी रहस्य है, 16 नदियों के होने की वजह से वहाँ पर 9 द्वीप बने हुए हैं। जैसे कि एक नदी जा रही है फिर ऐसे विभाजित हो रही है, फिर आप वापस मिल रही है, फिर वापस विभाजित हो रही है, दूसरी मिल रही है, तीसरी मिल रही है, इस प्रकार से 16 नदियों के क्या कहते हैं उसको मेश वर्क, हाँ, जाल से ये 9 टापू निर्माण हो गए। तो कौन सी नदियाँ हैं, यमुना, भोगवती, अलकनंदा, कावेरी, सरस्वती, ताम्रपर्णी, ब्रह्मपुत्रा, शरयू, गंगा, मानसी गंगा, कृतमाला, विद्याधरी, नर्मदा, गोमती,
मंदाकिनी और आपकी गोदावरी, ये सभी वहाँ पर विराजमान हैं। इनके सहयोग से वहाँ पर नवद्वीप निर्माण हो गए। हाँ, इनके बारे में उनका नाम का उच्चारण करना भी हृदय के लिए बहुत पवित्र कार्य है। अभी कौन से नवद्वीप निर्माण हो गए उसको सुन लीजिए। अंतरद्वीप यानी मायापुर, जो महावन गोकुल वृंदावन से अलग, जो आत्मनिवेदन इस नवदा भक्ति के अंतिम चरण का प्रतिनिधि है। देखो, नवद्वीप धाम जो है वो एक एक द्वीप जो है नवदा भक्ति के एक एक अंग को प्रदर्शित करता है, उसका प्रतिनिधि है वो। और हर एक द्वीप है वृंदावन के किसी वन का प्रतिनिधि है। दूसरा द्वीप है सीमांत द्वीप, वो श्रवणम को प्रतिनिधित्व करता है और वो जगन्नाथपुरी का प्रतीक है। जगन्नाथपुरी वहाँ विराजमान है, आज भी जाएंगे जगन्नाथपुरी का मंदिर वहाँ पर है ना, जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट जगन्नाथ जी वहाँ विराजमान है। फिर तीसरा है गोद्रुम, ये पूर्व दिशा में है सब, ये कीर्तनम इस नवदा विधि को दर्शित करता है और ये नंदगांव का प्रतीक है, सुरभि ने यहाँ पर कृष्ण का पूजन किया था। फिर मध्य द्वीप, ये भी पूर्व दिशा में है, ये स्वर्णम विधि को प्रकाशित करता है। और उसके बाद में पश्चिम दिशा के द्वीप आरंभ होते हैं, उसमें प्रथम द्वीप है कोल द्वीप, ये पाद सेवन विधि को प्रकट करता है और ये वराह क्षेत्र और गोवर्धन का प्रतीक है। इसमें बहुला वन भी है, कुलिया पहाड़ है, श्री वराहदेव यहाँ प्रकट हुए थे और चैतन्य महाप्रभु के भक्त यानी वराहदेव के भक्त वासुदेव यहाँ ने, उन्होंने वराहदेव का दर्शन प्राप्त किया था। इसी कोलद्वीप के आगे चंपाहाटी है, खदीर वन, द्वारकापुरी और गंगा सागर का प्रतीक है। उसके आगे छठवा द्वीप जो है वो ऋतुद्वीप है, ऋतुद्वीप वो अर्चनम विधि का प्रतीक है और ऋतुद्वीप साक्षात राधा कुंड है। और सातवा द्वीप है जानू द्वीप, जहाँ पर जानू ने पूरी गंगा जी को पी लिया था। गंगा जी बड़े अहम से आगे जानू मुनि के आश्रम को बहा के जा रही थी, तो जानू देव मुनि ने अपने तपोबल से पूरे गंगा को पी लिया, फिर उनके कान से वो प्रकट हो गई, इसलिए वो जानू, उनका नाम जाह्नवी पड़ा, जाह्नवी जानू मुनि उनके पिताजी बने। इस प्रकार से जानू द्वीप जो है वो भद्रवन का प्रतीक है और वंदनम इस नवदा भक्ति के विधि का प्रतीक है। और आठवां द्वीप है मोदद्रुम द्वीप, जिसको मामगाछी कहते हैं, यहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने आकर वनवास किया था। ये साक्षात भांडिर वन से अभिन्न है और दास्य रस का प्रतीक है। और नौवां द्वीप है रुद्रद्वीप, जो साक्ष्य रस का प्रतीक है। और बेलवन जो है, जिसमें लक्ष्मी माता जी ने, लक्ष्मी देवी ने तपस्या की थी, उस बेलवन का ये प्रतीक है, अभिन्न है इससे। इस प्रकार से ये नौ द्वीप निर्माण हो गए राधा रानी के परम कृपा से। बोले नवद्वीप धाम की। और ये इसको, इस नवद्वीप को मिलकर जो टापू बनता है, पूरा क्षेत्र बनता है, इसका नाम है गौर मंडल। और ये गौर मंडल जो है इसको एक कमल की तरह माना गया है, इसमें 100 पंखुड़ियाँ हैं और 168 स्क्वायर माइल्स इसका विस्तार है। और नवद्वीप 32 माइल का है, जिसमें 8 प्रधान पंखुड़ियाँ हैं गुलाब की, कमल की। और अंतरद्वीप जो है उसकी परिक्रमा 10 मील की है, जो उस कमल के बीच का मध्य भाग है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, ब्रह्मा जी को चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया। कहते हैं वृंदावन के 12 वन और जो 7 पवित्र नगरी, पवित्र तीर्थ माने गए हैं, कौन कौन से हैं वो? मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती और द्वारका। ये 7ों तीर्थ और 12 वन नवद्वीप धाम में विराजते हैं। श्वेत द्वीप, वैकुंठ और गोलोक वृंदावन भी नवद्वीप में विराजते हैं। तो ये नवद्वीप धाम जो है, इसमें 4ों युगों में भगवान के अवतार हुए हैं। सत्य युग में इसमें नरसिंह भगवान गोद्रुमा नरसिंहपल्ली क्षेत्र में आए थे हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, और मंदाकिनी में हाथ धोए थे उन्होंने। त्रेता युग में मोदद्रुम द्वीप यानी मामगाछी में प्रभु रामचंद्र आए, उन्होंने वनवास किया और ये बताया कि आगे मैं आने वाला हूँ। द्वापर में श्री कृष्ण भगवान समुद्रगढ़ में समुद्र सेन राजा के युद्ध में अदृश्य रूप में, केवल समुद्र सेन को दिखने वाले रूप में प्रकट हुए थे और फिर उसी चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने अपना रूपांतर किया था। समुद्र सेन को उन्होंने कुमुदवन के लीलाओं का दर्शन कराया था युद्ध भूमि के ऊपर, और कलयुग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए।
24 साल वो नवद्वीप में रहे, चार अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, शिशु अवस्था, पौगंड अवस्था और कुमार अवस्था। और पौगंड अवस्था में दो अवस्था का, चार जवान होने तक, विवाह तक के समय का वर्णन किया गया उसके अंदर। 24 साल तक वो नवद्वीप में रहे, उसके बाद के 6 साल भारत भ्रमण में रहे, बंगाल, वृंदावन और दक्षिण भारत में भ्रमण किया उन्होंने। उसके आगे 18 साल केवल जगन्नाथपुरी में रहे, और उस 18 साल में पहले 6 साल उन्होंने आम जनता में जा जाकर कीर्तन करके लोगों को प्रेम संकीर्तन का आनंद दिया, और अगले 12 साल जो है वो एकांत में गंभीरा में रहे, और अति उत्कट विरह भाव का, कृष्ण के विरोह का उन्होंने अनुभव किया। ऐसे उनका 48 साल का जीवन उन्होंने इस विश्व में बिताया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो हमारे लिए कृपा है, उनकी अनन्य कृपा है। क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, अब आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु का विशेष 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 चीज़ क्या है उनके अंदर। एक तो वो स्वयं भगवान है, फिर भी वो एक भक्त के रूप में आते हैं। कोई भी भगवान का जो अवतार आज तक हुआ है वो भगवान भगवान के रूप में आते हैं। कृष्ण भी भगवान के रूप में आए थे, लेकिन कृष्ण वृंदावन में रहे तो भगवान के रूप में नहीं रहे, जब ब्रज में रहे तभी। लेकिन बाकी ये कृष्ण का ये स्वरूप 12 साल 10 साल 11 साल 52 दिन का जो लीला है उनका, वो छोड़कर जितने भी उन्होंने अवतार लिए हैं, वराह से लेकर मत्स्य, कुर्मा, वराह और नरसिम्हा, वामन, जितने भी अवतार लिए सब भगवान के रूप में लिए, ऐश्वर्य भाव में लिए, भगवान के स्वरूप में लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक ऐसे अवतार है कि वो उन्होंने भगवान के रूप में तो अवतार लिया ही नहीं, या तो ऐसे नहीं कि वो भगवान थे लेकिन रहे ऐसे सामान्य व्यक्ति की तरह, ऐसे भी नहीं, वो भक्त के रूप में रहे। जब जब उनको आम जनता में कहा गया कि आप भगवान हो, तो विष्णु 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 कर देते हो, इसलिए उनको छन्न अवतार कहा गया है। भगवान होने पर भी वो छुपे हुए अवतार है, क्योंकि उन्होंने इस अवतार में केवल भक्ति का प्रचार करने की इच्छा रखी थी। कैसे आदर्श रूप में भक्ति की जाती है इसका प्रदर्शन करने के लिए वो भक्त बनकर आए थे, इसलिए उन्होंने कभी भी भगवान का होना स्वीकार नहीं किया। केवल कुछ कुछ ऐसी स्थितियाँ थी, ऐसे प्रसंग थे, ऐसे प्राइवेट स्थितियाँ थी एकांत वाली, जैसे उन्होंने वहाँ पर अपना भगवान का स्वरूप जो है वो प्रकट किया। जैसे शत प्रहरी लीला थी उनकी, शत प्रहरी 7 प्रहर की 21 घंटे की लीला थी, उसमें उन्होंने अपने अनंत रूप दिखाए, एक ही नहीं, और रथ यात्रा में अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया, और सार्वभौम भट्टाचार्य को षडरूप षडभुजा दर्शन दिखाया, नित्यानंद प्रभु को दिखाया, श्रीवास ठाकुर को दिखाया, श्रीवास आंगन में दिखाया, ऐसे गिने चुने प्रसंग में उन्होंने अपना भगवान का अस्तित्व, जो भगवान स्वयं है, वो प्रकट किया। साथ में चैतन्य महाप्रभु का हमारे ऊपर विशेष कृपा क्या है कि कृष्ण के रूप में जब वो आए थे तो केवल हमको लगता होगा कि सभी गोपियों ने रास नृत्य किया, लेकिन ये सत्य नहीं है। उन गोपियों को भी, गोपियों के अंदर भी बहुत प्रकार के, क्या कहते हैं उसको, विभाग थे, वर्गीकरण था उनका। उनमें से भी गिने चुने गोपियों के लिए उन्होंने रास नृत्य प्रकट किया, रास में सहभाग दिया उनको, और उनको सर्वोच्च प्रेम का आदान प्रदान का अनुभव दिया। यानी रास लीला ये जीव और भगवान के बीच का सर्वोच्च आनंद का अनुभव है, आदान प्रदान वाला। लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड है, वो किसी के लिए अवेलेबल नहीं था। यशोदा, नंद महाराज, गौवें और मित्र मंडली, किसी को भी अनुभव नहीं था, ये मुमकिन नहीं था। इतना गुप्त और एकांत वो प्राप्ति थी, लेकिन वही दिव्य एकांत दुर्लभ प्राप्ति श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप से, संकीर्तन के माध्यम से, हर एक पतित से पतित जीव तक उसको फैला दिया, उपलब्ध कराया उसको। हम सुबह भी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कलयुग में हम लोग पात्र है या अपात्र है, या स्थान अच्छा है या नहीं है। पात्रे अपात्रे ना देखिला स्थाने अस्थान, किसी भी चीज़ को ना सोचते हुए, ना गिनते हुए, योग्यता का विचार ना करते हुए, उन्होंने सब लोगों के सामने खुले आम ये हरिनाम संकीर्तन प्रस्तुत किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे में से जो भी जीव इसको हृदय से, प्रेम से, भावपूर्वक तरीके से पुकारते हैं, वो उसी तत्क्षण उस आनंद का अनुभव करते हैं जो गोपियों के बीच रात में एकांत में हुआ था।
बाकी सारे अवतारों में श्री कृष्ण भगवान वो भव सागर से मोक्ष की प्रॉमिस करते हैं ना। अर्जुन को क्या बोलते हैं, सर्वधर्मम परित्याज्यम, उसके बाद में भी क्या बोलते हैं, मोक्ष इच्छामि मा शुचः, हाँ प्रेम दूंगा ऐसे बोलते क्या। देखो सब कुछ त्याग करने के बाद, सर्व शरणागति स्वीकार करने के पश्चात, उनके चरणों में सर्वस्व अर्पण करने के बाद फिर भी वो क्या कह रहे हैं, आप चिंता मत करो मोक्ष मिल जाएगा आपको। लेकिन इस अवतार में पाप पाप मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष, और साथ साथ प्रेम भक्ति का दान भी देते हैं वो। और भी कैसे, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे पाप मोक्ष हो रहा है, फिर धीरे धीरे अधव श्रद्धा साधु संग धीरे धीरे हो रहा है। कितने ऐसे कथाएँ चैतन्य चरितामृत में जो एक ही साथ में पाप निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति, एक ही साथ में प्रेम का अतिरेक जगाई मधाई। देखिए आप इतने पाप से भरे हुए थे, हम सब लोग मिलकर अपने बेस्ट कैपेसिटी में जीवन भर में इतना पाप नहीं कर सकते हैं, वो एक दिन में दोनों मिलकर करते थे। यमराज भी यमलोक में उनका सारा जो गोडाउन था वो भर गया था इनका पाप के रिकॉर्ड से। यमलोक की जमीन में गड्ढे बनाए गए थे इनका रिकॉर्ड रखने के लिए, और यमलोक में जगह नहीं बची थी जमीन के अंदर भी, इतना रिकॉर्ड उनका दो व्यक्तियों का भर गया था। और केवल रिकॉर्ड रखना ये काम नहीं था, लेकिन ये रिकॉर्ड को भी प्रतिसाद देना है, उसका फल भी देना है, उनको दंड भी देना है। हाँ रिकॉर्ड रखने में इतने पसीने छूट रहे हैं, अभी दंड देने में क्या होगा, इतनी भयंकर अवस्था थी। क्योंकि ऐसे पाप आज तक चारों युगों में किसी राक्षस ने भी नहीं किए थे, इतने पापों का भंडार इकट्ठा हो रहा था यमलोक में पहली बार कलयुग में। वो भी ऐसे पापी लोगों को एक क्षण के अंदर गले लगाया, एक क्षण के अंदर सारे पाप जो उधर रिकॉर्ड उनका रखा गया था वो नष्ट कर दिए, डिलीट कर दिया उनका। यहां तक कि यमराज को विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है, उन्हें मैं जाकर देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ। तो अपने वो है ना वो भैंसा, जिसको मराठी में रेड़ा कहते हैं, उसको लेकर भगाया उन्होंने, जल्दी जाकर देखना है मुझे, खबर मिल गई है कि जगाई मदाई पाप मुक्त हो गए, प्रेम से नाच रहे हैं, मुझे देखना है, आई कांट बिलीव इट। तो भैंसा को इतना जोर से भगाया, भैंसा के मुंह में झाग आया और बेहोश हो गया, वो रस्ते में पंक्चर हो गया। हा? तो वहां से ब्रह्मा जी आ रहे राजवंश को लेकर, तो यमराज जी ने लिफ्ट ले लिया राजवंश के ऊपर, ब्रह्मा जी ने उनको बताया पूरा वर्णन सुनाया, तो ब्रह्मा जी के राजहंस पर वो वर्णन सुनकर यमराज बेहोश हो गए। देखिए यमराज है ना वो पूरे डिपार्टमेंट के देवता है, प्रमुख देवता, उनके लिए पाप वाप कोई नई चीज़ नहीं, ऐसे बहुत पापी उन्होंने देखे हैं, रावण को देखा है, कुंभकर्ण को देखा है, शिशुपाल को देखा है, दंतवक्र को देखा है, भयंकर पापी लोगों को देखा है। तो पाप की राशि देखकर वो चौंकने वाले जीव नहीं है, जो दिन दहाड़े हर रोज गुनहगारों को देखते हैं वो गुनाह देखकर चौंकते नहीं है, लेकिन वो यमराज भी चौंक गए। सारा स्टॉक पापों का जो है वो तत्क्षण नष्ट कैसे हो सकता है। तो बाद में जब पृथ्वी आ गई, मतलब भूमि देवी आ गई, अर्थ फ्लैट प्लेन आ गया, तो यमराज को जगाया ब्रह्मा जी ने, अरे ब्रह्मा जी यमराज जी उठो, देखो आंखों के सामने देखो, ये दोनों लोग कैसे नृत्य कर रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, उनके शरीर में रोमांच हो रहा है, पागलों की तरह बेहोश होकर नाच रहे हैं। तब जाकर यमराज को विश्वास हुआ कि ऐसा भी कोई अवतार है भगवान का, जो तत्क्षण इतने अनंत पापों को नष्ट करके तत्क्षण प्रेम का आवेश उस शरीर में कर सकता है। तो ये विशेष प्राप्ति है, विशेष कृपा है हमारे ऊपर। सब कुछ थोड़े थोड़े में ही पूरा लाभ चैतन्य महाप्रभु हमको देते हैं। फिर उन्होंने बाकी सभी कली युगों में ध्यान यज्ञ अर्च विग्रह पूजा ये सारी बताई, लेकिन ऐसा विधि इस युग में बताया कि जो ध्यान यज्ञ अर्च विग्रह पूजा इस सारे विधियों को पार करके आगे पहुंचता है और साक्षात प्रत्यक्ष प्रेम और भक्ति का लाभ दिलाता है, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बड़े ही सहजता से उसको प्राप्त करा दिया है। और ये जो दिव्य आनंद है वो बिना किसी भेदभाव को सबको दे दिया है। हाँ कोई जवान है बूढ़ा, ये भेदभाव नहीं किया, कोई बीमार है या कोई आरोग्य संपन्न है वो भेदभाव नहीं किया, कोई पंडित है कि अनपढ़ है उसका भेदभाव नहीं किया, कोई सुंदर है कुरूप है उसका भेदभाव नहीं किया, कोई गरीब है अमीर है, कोई काला है गोरा है, कोई उच्च वर्ण का है नीच वर्ण का है, नीच जाति का है उच्च जाति का है, किसी भी प्रकार का स्त्री पुरुष बालक किसी का भेदभाव नहीं किया, कोई शूद्र ब्राह्मण वैश्य इसका भेदभाव नहीं किया, सब लोगों को खुले आम बिना किसी भेदभाव से बांट दिया। और उसी को प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया, देशी और विदेशी ये भी भेद नहीं किया,
सब लोगों को बांट दिया, क्योंकि सर्वोच्च तरीका सबसे आसान बनाकर श्री कृष्ण भगवान ने कलयुग में प्रकट किया। ऐसा तरीका प्रकट किया कि ऋषि मुनि भी जो पूर्णता ज्ञानी हैं, चारों युगों के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं, वो भी कलयुग की पूजा करने लगे, क्योंकि वो जानते हैं कले देशो निदे दोषे निदे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। तीन युगों के अंदर इतने महान महान ऋषि मुनि जन्म लेते हैं, हजारों साल ध्यान करते हैं, हजारों साल यज्ञ करते हैं, अश्वमेध राजसी वाले भाई कई साल लगते हैं उनको पूर्ण करने में। इतना विस्तृत तरीके से विस्तार रूप में अर्च विग्रह पूजा करते हैं, तो उनको तो उन युगों को पूजा करना चाहिए, तो कितने महान ऋषि जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी कलयुग को पूजा करते हैं। वो कलयुग में इतने अनंत दोष हैं, दोषों का सागर, ऐसा वर्णन भागवत में दिया गया है, फिर भी क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया ये नाम संकीर्तन का विधि जो है, ये कलयुग के अनंत दोषों के होते हुए भी कलयुग को पूजनीय बना देता है। क्योंकि जो प्राप्ति हजारों साल ध्यान करके सत्ययुग में नहीं है, जो प्राप्ति बड़े बड़े यज्ञ करके द्वेता युग में नहीं है, जो मंदिरों का पूजन करके द्वापर में उपलब्ध नहीं है, उनसे भी श्रेष्ठ प्राप्ति केवल नाम का जप उच्चारण करके कलयुग में प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु, हमारे कलयुग में इनका जन्म हुआ है। कृष्णदास कविराज बताते हैं कि जब 1000 दिव्य युग समाप्त होते हैं तो 1000वें दिव्य युग के द्वापर में वे स्वयं कृष्ण के रूप में आते हैं, और उस 1000वें दिव्य युग में कलयुग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं। और हमारा आपका ये सौभाग्य है कि ये वो 1000वां दिव्य युग है जिसके कलयुग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु। इसलिए प्रभुपाद कहते थे रिसेंटली फ्यू ईयर्स बैक चैतन्य महाप्रभु केम, केवल 550 साल, हाँ, जहाँ पर करोड़ों सालों की गुंजाइश है। देखिए 1000 दिव्य युग जब होते तो कितने साल होते? 43 लाख 20 हज़ार ये एक दिव्य युग का समय है, साल। उसको आप 1000 से गुणित कीजिए, कितने हो गए? 43 लाख 20 हज़ार गुणित 1000, इतने साल के बाद में वो 1000वां कलयुग आता है, और उस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं और स्वयं उपस्थित होकर अपने पार्षदों के साथ हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए नृत्य करते हैं, और एक एक अपने अंग से, अपने मन के भाव से सब लोगों को सिंचित कर देते हैं परिपूर्ण प्रेम से। उनको देखकर ही लोग भाव विभोर हो जाते हैं, स्वयं ऐसे दिव्य नशा में जैसे आँखें गोल गोल घूम रही हैं उनकी, इंटॉक्सिकेटेड विथ लव, ऐसे भाव में महाप्रभु नृत्य करते हैं, और उनको देखकर केवल दर्शन करने मात्र से लोगों के अंदर वो प्रेम का आवेश होता है। महाप्रभु जब नृत्य करते थे तो भावावेश में उनके नेत्रों से पिचकारी के रूप में अश्रु बहा करते थे, जो जो सामने आता था वो पूरा भीग जाता था। हमारे अश्रु ऐसे शरीर पर बहते हैं गालों के ऊपर से, उनके अश्रु पिचकारी की तरह से सामने वाले के ऊपर उड़ा करते थे, बौछार होती थी अश्रुओं की लोगों के ऊपर, और उस अश्रु का स्पर्श होते ही जिसको स्पर्श हो गया है वो भाव विभोर होकर स्वयं भी ऐसे पागलों की तरह नृत्य किया करता था। जहां जहां महाप्रभु गए, चैतन्य चरितमानस पढ़ेंगे आपको कभी लगेगा क्या है उसके अंदर, इधर गए कीर्तन किया, उधर गए कीर्तन किया, उधर गए लोग बेहोश हो गए, उधर गए हाथी और हिरण भी बेहोश हो गए, और कुछ है ही नहीं। एक वो खाने का वर्णन है पूरा, क्या क्या बनाया, कितने कितने व्यंजन बनाए, कितने कितने खाए, और एक कहाँ कहाँ जाके कीर्तन किया, लेकिन वो इतना नीरस वर्णन नहीं है। उसको ध्यान से पढ़िए आप, फिर आपको पता चलेगा। जब बंगाल के वैष्णव जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में प्रवेश कर रहे थे रथ यात्रा के लिए, तो राजा प्रताप रुद्र अपने महल के छत पे खड़े हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य जो भक्त बन चुके हैं अभी, जो शुष्क तर्कवादी थे अभी भक्त बन गए हैं, और राजा के प्रमुख राजपुरोहित हैं, और वो छत पर खड़े हैं, प्रताप रुद्र छत पर खड़े हैं, और ऊपर से हजारों संख्या में बड़े बड़े तेजस्वी भक्त आ रहे हैं, वो इतना सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, हाँ सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। तो प्रताप रुद्र राजा कहते हैं कि मैं बचपन से सत्संग में ही पला हूँ, मैंने बचपन से ऐसे हजारों कीर्तन अटेंड किए हैं, लेकिन ये क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि आपने केवल कीर्तन सुना है और कीर्तन देखा है, कीर्तन का अनुभव किया है, ये चैतन्य महाप्रभु का प्रेम संकीर्तन है, दिस इज प्रेम संकीर्तन। बाकी सब जितने कीर्तन होते हैं वो किसी लाभ के लिए, किसी भाव से, किसी मोटिवेशन के साथ किए जाते हैं, लेकिन ये जो भक्त हैं, नाम बताते हैं, ब्रह्मानंद भारती है, ये परमानंद सरस्वती, सबका नाम बताते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है उनका। और कहते ये सब लोग जो है केवल भगवान को रिझाने के लिए कीर्तन करते हैं, इसलिए इनके कीर्तन में बड़ा अद्भुत भाव और अनुभव आता है। तो वो केवल देख कर ही राजा प्रताप रुद्र वहाँ पर भाव विभोर हो गए थे। पहली बार उन्होंने देखा महाप्रभु के पार्षदों का कीर्तन, और महाप्रभु बाद में आए और महाप्रभु को देखकर पूरे भाव विभोर हो गए प्रताप रुद्र। और प्रताप रुद्र के ऊपर ऐसी कृपा हुई कि प्रताप रुद्र के ऊपर वो पिचकारियाँ कई प्रकार कई बार पड़ी, और प्रताप रुद्र को उनके नम्रत भाव से उनको चैतन्य महाप्रभु सात, क्या कहते हैं उसको, ग्रुप्स में जो कीर्तन कर रहे थे, सात रूप में, सबको लग रहा था कि हमारे ही ग्रुप में कीर्तन कर रहे हैं, हमारे अंदर हैं, लेकिन वो सात रूप में कीर्तन कर रहे हैं। यह अद्भुत दर्शन जो है बड़े अनन्य कृपा से प्रताप रुद्र को प्राप्त हुआ। तो ऐसे ये महाप्रभु जी का दिव्य चरण स्पर्श, दिव्य भाव का अनुभव इसी पृथ्वी पर, इसी कलयुग में लोगों को हुआ है। और महाप्रभु चैतन्य की इसी कृपा है कि इसी युग में जितने भी जीव उस समय पृथ्वी पर उपस्थित थे, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो या पंछी हो या कीटक हो या मनुष्य हो या किसी प्रकार का जानवर हो, जितने भी जीव थे, वासुदेव दत्त जो प्रहलाद जी के अवतार थे, उनकी प्रार्थना के वजह से चैतन्य महाप्रभु ने उस समय उपस्थित जितने भी जीव थे सब लोगों को प्रेम भक्ति दिया और गोलोक धाम में छोड़ दिया उनको। और एक विशेषता है चैतन्य महाप्रभु के अवतार की, जितनी बार भगवान अवतार लेते हैं उस अवतार के एक विशिष्ट भक्तों का गण ग्रुप होता है। नरसिंह भगवान का अपना एक ग्रुप है प्रहलाद जी के नेतृत्व में, वराह भगवान का, मत्स्य भगवान का, कूर्म भगवान का, अपने अपने भक्तों का उनका मंडली है पूरा, वो मंडली को लेकर अवतार लेते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे अवतार हैं कि जितने भगवान के अवतार हुए हैं सभी अवतारों की सभी मंडलियाँ उस समय उन्होंने जन्म लिया था, इसलिए प्रहलाद भी उसके अंदर है, उसके अंदर सब लोग है, प्रभु रामचंद्र के भक्त है, हनुमान जी है, राजा गुआ है, सदानंद विप्र के रूप में उनका जन्म हुआ था। ऐसे प्रहलाद जी आए थे उस समय, और प्रहलाद जी वासुदेव दत्त के रूप में थे, और महाप्रभु कहते हैं कि मुझे इन लोगों का दुख सहन नहीं हो रहा है, मेरी इच्छा है कि आप सभी लोगों का पाप मुझ पर डाल दो और मैं अनंत काल तक नरक में दुख भुगते रहूंगा, और इन सब लोगों को गौलोक लेके जाओ। तो महाप्रभु कहते हैं आपको कोई नरक जाने की जरूरत नहीं है, आपने, आप जैसे भक्त ने ऐसी इच्छा प्रकट की है इसलिए आप भी गौलोक जाएंगे और आपकी इच्छा से सभी लोग भी गौलोक चले जाएंगे। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय, वासुदेव दत्त की जय। और फिर वो उनको बताते हैं, हे वासुदेव दत्त तुम प्रहलाद हो, ऐसा उनको परिचय कराते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये चैतन्य महाप्रभु के समय पर हमारा जन्म हुआ है, और अगर उनके उनका परिचय हमें नहीं है, उनके विषय में हमको ज्ञान नहीं है, उनके लीलाओं का हमको जानकारी नहीं है, तो कृष्णदास कविराज स्वयं कह रहे कि हमारा जीवन व्यर्थ है, कोई जीवन का मतलब नहीं है, निरर्थक हो गया हमारा जीवन। तो ये चैतन्य महाप्रभु जन्म लेते ही उन्होंने सारे विश्व के हर जीव को संकीर्तन में लगाया। उसके बाद में जब घर में उनकी लीला शुरू हुई बाल्य अवस्था की, जब जब रोते थे तो वो हर प्रकार के उनको खिलौना खिलाकर आवाज़ करके उनको रोकने का प्रयास करते थे, लेकिन जैसे ही हरि का नाम लेते थे बालक चुप होके हंसने लगता था। तो उसके बाद में ऐसा ऐसा लीला शुरू हुआ कि बालक को हंसाने के लिए हर पड़ोसी की हर औरत, हर आदमी, हर बच्चा आकर हरी 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 बोलो, हरी 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 हरी, पूरा नवद्वीप में हर समय हरी हरी होता था, क्योंकि सब लोगों को अद्भुत आनंद आता था। बालक को रोने के बाद में मौका ही नहीं दिया, जब देखो मिलते तो हरी हरी करते थे, बालक हमेशा हंसा रखता, हरी हरी बंद कर दिए तो रोज रोना आरंभ करता था। इस तरह से निमाई ने अपने बाल्यपन से ही सब लोगों को हरिनाम के जप में लगा दिया। फिर उसके बाद में देवता लोग एक बार आए, सच्ची माता बालक को लेकर गोद में बैठी थी, आंगन में बैठी हुई, और जगन्नाथ मिश्रा घर में सो रहे हैं, दोपहर का समय है, बालक भी गोद में सो रहा है, ये खाली जग लेकर बैठी हुई है। उतने में
दिव्य प्रकाश वाले तेजस्वी देवता प्रकाश प्रवेश करते हैं आकाश मार्ग से। वहाँ पर एक सुंदर रत्न जड़ित टेबल लगा देते हैं अभिषेक का। एक देवता आकर सची माता के गोद से बालक को ले लेता है। सची माता ऐसे भाव में आ जाती है कि वो उसका कंठ जो है अवरुद्ध हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाते। अरे मतलब उसको कहना है, अरे कहाँ ले जा रहे हो, कौन हो तुम, कौन हो, उसको चिल्लाना है, पति को पुकारना है, इसको पुकारना है, उसको पुकारना है, किसी को पुकार नहीं पाती हो। ऐसे ही उसका आवाज़ दब जाता है, लेकिन देख रही है अपने नेत्रों से। सब देवतागण बड़े आदर से लेकर बालक को रखते हैं, शंख से उसका अभिषेक करते हैं, दिव्य जल से अभिषेक करते हैं। वो जो अभिषेक का जो टेबल है पात्र है, वो उसमें से अभिषेक का पानी बहकर आंगन में बह जाता है। उसके बाद में उसकी पूजा करते हैं। फिर बालक जो है वो उसमें से निकलकर उस अभिषेक जो है ना पंचामृत उसमें से चलकर नन्हे नन्हे पैर लेकर उसमें से बाहर आ रहा है, और जहाँ तक वो फैला हुआ है उसके आगे भी बाहर निकल कर माता की ओर आ रहा है। तो सारे चरणों के चरणामृत चिन्ह वहाँ प्रकट हो रहे हैं, दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है। सभी देवता लोग नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बालक को छुम छुम के, हाँ, घुंघरू पहनकर घुंघरू की आवाज़ सुनकर सब लोग भाव विभोर हो रहे हैं। सची माता भी घुंघरू की आवाज़ सुन रही है, लेकिन अचानक सब दृश्य गायब हो जाता है। ना टेबल है, ना जमीन पर चरणामृत है, ना चरणों के चिन्ह है, ना देवता है, सब लोग गायब हो जाते हैं। और बालक दौड़ के उसके पास आ रहा है, और उसके पैरों में घुंघरू भी नहीं है, फिर भी छुम 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 घुंघरू की आवाज़ आ रही है। और उस समय उसका कंठ खुल जाता है, और वो बड़े प्रेम से अपने पति को बुलाते हैं, आइए आइए देखिए क्या हो रहा है। जगन्नाथ मिश्रा जी भाग भाग के आते हैं, वो कहते अभी अभी ऐसे हुआ, देवता लोग आए, अभिषेक किया उन्होंने, बालक हमारा चलकर आया अभिषेक के जल के बीच में से। तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि तुम्हें तो भ्रम हो रहा है, तुम स्वप्न देख रही हो। सची माता के लिए स्वप्न नहीं था, वो प्रत्यक्ष अनुभव था। लेकिन कैसे बताया पति को कि मैंने देखा स्वयं, बोले कहाँ पर है, घुंघरू नहीं है, ना चरण चिन्ह है, ना चरणामृत है, ना देवता है, ना कोई कुछ है। एक दिन सांप आया आंगन में, बहुत बड़ा सांप आया। बालक तब रेंगता था, रेंगने के भाव में था, तो रेंग कर वो सांप का पीछा करने लगा। सची माता दौड़ रही है, गोपियां सब दौड़ रही है, पड़ोसन औरतें दौड़ रही है, लेकिन कोई संभाल नहीं पाए। और अचानक वो सांप गोल हो गया, और उसके बीच में जाकर बालक सो गया। अगर सोच सकते हैं, आपके आंगन में एक बड़ा सांप आकर गोल होकर आपका बालक उसमें जाके सो गया है। अभी आप जाएंगे तो आपके मन में भय क्या है कि सांप अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो गुस्सा करके बालक को काटेगा। और ऐसा भी नहीं कि सोने दो, क्या सो रहे तो सोने दो, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। बोथ वेज यू आर एंग्शियस, वो सो रहा है तो भी आप चिंता में हो, और उसको जगाने के लिए भी चिंता में हो। और सब लोग गोल खड़े हैं, किसी की सामने हिम्मत नहीं हो रही जाने की। सब लोग मरने को तैयार हैं, लेकिन उनको चिंता यह है कि हम उनको डिस्टर्ब करेंगे, सांप बालक को काटेगा और बालक की मृत्यु होगी। फिर बहुत देर तक सब लोग ऐसे हाथ पकड़ के कांप रहे हैं, पसीने से तर हो रहे हैं, आंखों से अश्रु आ रहे हैं, पुकार रहे हैं विष्णु को, भगवान को, बचाओ हमारे बालक को। अचानक सांप जो है अपना जो गोल है वो खोल लेता है, वो चला जाता है, और बालक माँ की गोद में आ जाते हैं। तो अनंत शेष है, भगवान की सेवा करने के लिए पृथ्वी पर आए थे, भगवान को लेटाने का आनंद, अनंत शयन का उन्होंने, शेष शय्या का आनंद दिया भगवान ने, बड़े धूमधाम से आनंद लिया और वो चले गए। उसके बाद थोड़े बड़े हो गए, बहुत सुंदर लीला है। वो जो क्षेत्र है ना, क्या कहते हैं उसको, अंतर्द्वीप, वो इतना अनंत लीलाओं का खजाना है। 8, 10, 12, 15 घंटे भी बैठेंगे ना तो वहाँ की लीला समाप्त नहीं हो सकती। आज वहाँ पर एक सुंदर मंदिर है जो 1901 में ठाकुर भक्ति विनोद ने बांधा था, एक एक रुपया लोगों से इकट्ठा करके बांधा था। उन्होंने वहाँ पर गौर गदाधर का विग्रह स्थापन किया, उन्होंने वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के 2 पत्नियों के साथ विग्रह स्थापन किया, उन्होंने वहाँ पर पंचतत्व स्थापन किया, फिर उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने और विग्रह स्थापन किया, राधा माधव और गौरांग महाप्रभु का जो विग्रह ऐसा है वो स्थापन किया। तो पहला जो है वो राधा माधव गौरांग महाप्रभु, बीच में जो है चैतन्य महाप्रभु, 2 पत्नियां विष्णुप्रिया लक्ष्मीप्रिया, और राइट साइड में जो है पंचतत्व का विग्रह जगन्नाथ जी के साथ में, और नीचे उसके अधोक्षज विष्णु, और मंदिर के पीछे के प्रांगण में गौर गदाधर और लक्ष्मी नरसिंह। लक्ष्मी नरसिंह जो है वो भक्ति सुदान जी ने स्थापन किया था, क्योंकि जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो उनके संरक्षण के लिए उन लक्ष्मी नरसिंह का मूर्ति स्थापन किया, उसके बाद में कोई यवनों का आक्रमण नहीं हुआ।
फिर भक्ति सदान सरस्वती ने क्षेत्रपाल विष्णु, क्षेत्रपाल महादेव और गोपेश्वर महादेव स्थापन किया। तो आचार्य कहते हैं गोपेश्वर महादेव हमें चैतन्य महाप्रभु की सेवा देते हैं और क्षेत्रपाल महादेव उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। फिर भक्ति सुधान सरस्वती ने गौर कुंड का उत्खनन किया, जहाँ पर गौर कुंड पे सच्ची माता हर रोज़ निमाई को स्नान किया करती कराया करती थी। बहुत सुंदर, रोज़ वहाँ पर गौर कुंड में स्नान करती थी। तो 1937 में भक्ति सुधान सरस्वती ने उसका दोबारा जीर्णोद्धार किया और पुनः उसका उद्घाटन किया। उस समय पर उन्होंने अपने पिता का वहाँ पर विग्रह स्थापन किया, ठाकुर भक्ति विनोद का वहाँ पर मूर्त मंदिर है, जाते ही दाहिने हाथ में ऐसा पूरा सीनरी है। वहाँ पर वो नीम का पेड़ अभी भी उपलब्ध है, वहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे सची माता की मूर्ति गोद में लिए हुए हैं निमाई पंडित को, और जगन्नाथ मिश्रा जी बैठे हुए हैं। आज भी आज के दिन हर साल आज के दिन वहाँ पर एक क्या कहते हैं कपल यानी कि जोड़ी पति पत्नी को लेकर वहाँ पर निमाई पंडित के माता पिता बनाते हैं और एक बालक को गोद में लेकर पूरा उत्सव मनाते हैं। आज भी वहाँ पर जाके बैठते हैं, वो झांकी बनाते हैं वहाँ पर आज के दिन इस समय पर, क्योंकि सूर्यास्त के समय चंद्रोदय के समय महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था उस समय। आज वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव होता है। एनीवेज सो जब थोड़े बालक बड़े हो गए तो एक ब्राह्मण आया, उसके पास में गोपाल का विग्रह था, बाल गोपाल का। तो ब्राह्मण आते ही सब लोगों ने बहुत धूमधाम स्वागत किया उनका कि इतने विद्वान तेजस्वी ब्राह्मण हमारे घर पे आए हैं। वो ब्राह्मण का नियम था कि वो किसी के घर में जाएगा तो आमतौर पे केवल कंदमूल खाएगा जंगल के, लेकिन किसी गृहस्थ के घर में जाएगा तो फिर अपने हाथ से भोजन बनाएगा। तो सची माता जगन्नाथ मिश्रा तुरंत अपना चूल्हा जो है वो गोबर का लेप करके उसको तैयार करके देते हैं, सब्जी देते हैं, चावल देते हैं, सब कुछ व्यंजन देते हैं, और ब्राह्मण जो है वो संध्या के समय अपना भोजन करना आरम्भ कर देता है। और भोजन चावल सब्जी सब बनाकर जब अपने गोपाल के सामने रखता है और आंखें मूंद कर ध्यान कर कर गोपाल मंत्र पुकारने लगता है, और जब वो आंखें बंद करके हृदय से गोपाल को पुकार रहा है उस समय छोटा निमाई जो है वो रेंगते हुए वहाँ पर आता है पूरी नग्न अवस्था में, हाँ दोनों हाथ से चावल डालकर खाना शुरू कर देता है। अचानक उसकी आंखें खुलती है, देखता है, अरे हाय 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 बोलो, ये बालक ने मेरा भोग भ्रष्ट कर दिया, अरे बालक ने मेरा भोग कृष्ण को पाने के पहले भ्रष्ट कर दिया। वो हाय हाय की आवाज़ सुन के सची माता और जगन्नाथ मिश्र सब भाग के आते हैं, सब पड़ोसी की औरतें भी आते हैं, क्या हुआ, अरे बालक बालक तुमने तो इसका भोग भ्रष्ट कर दिया, अरे बालक तुम इतनी नटखट क्यों हो, क्यों नहीं शांत रहते हो, उनका बालक उनका भोग गोपाल को अर्पण करने के पहले तुमने खा लिया। तो फिर उसको पकड़ के लेके गए और पड़ोसियों की औरतों के पास दे दिया, तो बहुत नटखट बालक है ये, हाँ उसको संभाल के रखो, उसको जरा बिजी रखो इसके अंदर। फिर वापस आते हैं और वो ब्राह्मण को विनती करते हैं कि आप माफ़ कीजिए, हमारा बालक अभी अनजान बालक है, छोटा सा बालक है, अभी क्या करें। तो ब्राह्मण कहते हैं उसमें क्या है, भगवान की इच्छा है कि मैं आज पकवान नहीं खा सकता, मतलब पका हुआ अन्न नहीं खा सकता हूँ, ये उनकी इच्छा है, तो मैं कुछ कंदमूल फल ही खा लूँगा, आप दे ला के दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए बहुत दुख की बात है क्योंकि हमारे घर में आकर बालक ब्राह्मण अगर सारी व्यवस्था होने पर भी सारे व्यंजन होने पर भी भूखा रहेगा तो हमारे लिए कितना वो अशुभ है। हम आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कृपा करके हम सारी व्यवस्था आपको कर देंगे, सारे व्यंजन अभी घर में उपलब्ध हैं, सारी सब्जियां हैं, धान्य है, सब कुछ है, अभी दो मिनट के अंदर हम सब सारा चूल्हा दोबारा गोबर से लिप देते हैं। और इस समय बालक को डांटने के भाव में थे तो ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्रा को कहते हैं कि नहीं नहीं आपको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, ये तो बालक अनजान बालक है, उसके लिए आप उसको कैसे मार सकते हैं, ऐसा विचार भी मत कीजिए आप। तो फिर वो दोबारा तैयार हो जाता है, तब तक तो बीच में दूसरा प्रहर शुरू रात का शुरू होता है, यानी कि आप समझिए 8-9 बज रहे हैं समझो, हाँ दोबारा पूरा भोग बनाता है। उतने में वो बालक जो है वो पड़ोसी के औरतों के बीच में खेल रहा है, तो औरतें बोल रही अरे तू कैसा कन्हैया, क्या कहते हैं उसको, कैसा तू निमाई, ये पता है क्या वो बालक कहाँ से, वो ब्राह्मण कहाँ से आया है, कौन सी जाति का है, कौन से घर का है, ब्राह्मण है कि नहीं है, तुमने उसका भोग खाया, अरे तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो गई आज। तो निमाई कहते हैं मैं तो गोपाल हूँ, मतलब मैं कावड़ बॉय हूँ, मैं ग्वाला हूँ, मुझे ब्राह्मणों के हाथ का चावल बहुत अच्छा लगता है, मैं बड़ा आनंद प्राप्त करता हूँ, मेरी जाति कोई भ्रष्ट नहीं होती है, मैं तो ग्वाला हूँ, ग्वाला की जाति ब्राह्मण का भोजन करने से भ्रष्ट कैसे हो सकती, ऐसे करके बातों में
गोल 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 घुमाया सबको, और जब ये ब्राह्मण का भोग तैयार हो गया और दोबारा अपने गोपाल के सामने रखा और दोबारा आंखें मूंछ के बड़े बड़े मंत्रों को उच्चारण करके पुकारने लगा, तो बालक उधर से खिसक गया। हाँ, वापस आया और पूरा दोनों हाथ डाल के खाने लगा। फिर ब्राह्मण ने कहा, हाय हाय। अभी आप लोग सीख गए कैसे बोलना है। तो उस समय डंडा लेके भागे जगन्नाथ मिश्रा, अभी इस बालक को मैं पीटूंगा, ये बहुत ज्यादा उद्दंड हो गया है, ये भी कोई तरीका है, ये भी कोई शिष्टाचार है, ये भी कोई संस्कार है इसके, ऐसे ही करते रहेगा तो आगे जाकर क्या करेगा, अब इस दंड जरा जरूरी है। तो उसके पीछे जाकर भागे ब्राह्मण देवता, हाथ पकड़ा, डंडा पकड़ा, नहीं नहीं आप इस बालक को मत मारना, ये बालक तो नटखट अनजान बालक है, नहीं नहीं मैं उसको दंड दूंगा क्योंकि ये उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, मुझे इतना दुख हो रहा है कि आप भूखे रहने वाले हो, नहीं नहीं हम आपको भूखा नहीं रहने देंगे, आप दोबारा बनाइए। ब्राह्मण कहते नहीं नहीं आज विधाता की इच्छा नहीं कि मैं अन्न खाऊं, विधाता की इच्छा ये कि मैं फल खाऊं आज। उतने में विश्वरूप वहां से प्रवेश करते हैं, ऐसे वर्णन दिया है, हमने नाटिका भी की थी बहुत साल पहले। जैसे ही विश्वरूप ने प्रवेश किया ना, तो ब्राह्मण का जबड़ा है ना सर नीचे लटका रह गया, इतना तेज, इतनी आंखों में गहराई, इतनी प्रगल्भता, इतने सुंदर नयन, इतने सुंदर भुजाएं, इतना सुंदर उसकी आभा, उसका चलने का और उसका देखने का तरीका, इतना आदर उत्पन्न हुआ ब्राह्मण के हृदय में, बहुत देर तक तो आ करके देखता रहा उसे पूर्ण आदर के सम्मान के साथ। जब होश संभाला तो ब्राह्मण ने पूछा, किसका बालक है ये? Whose son is he? जगन्नाथ मिश्रा कहते कि हमारा बालक है, इसका नाम विश्वरूप है। तो विश्वरूप जब बोलने शुरू करता है कि ब्राह्मण देवता हम आपसे क्षमा चाहते हैं, इतने जैसे कहते ना अनंत शंख जब बजते हैं ना धीर गंभीरता से, ऐसे ध्वनि है बालक का, ऐसे आवाज कान को इतना आनंद दे रही है, लेकिन साथ साथ कुछ नटखट आवाज नहीं है, बहुत धीर गंभीर जैसे वेदों की वाणी शंख वाणी होती है, सश्रवण कर रहे हैं और वो बोलते जा रहे हैं कि हम बहुत हृदय से आपकी माफी चाहते हैं कि दो बार आपका भोग भ्रष्ट हो गया, मैं विनती करता हूं कि आप तीसरी बार बनाइए और हम ब्राह्मणों को आशीर्वाद दीजिए, हमारे घर में आप पर आकर अगर आप भोजन प्राप्त करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो हमारे आशीर्वाद के लिए आप तैयार हो जाइए। तो ये बहुत देर हो चुकी है, अभी तब तक तो 12 बज गए थे समझो, बीच रात का प्रहर शुरू हो गया था, अभी ये कोई भोजन करने का समय है, भोजन बनाने का समय है, इस समय कोई चूल्हा जलाता है तो सोने का समय है, नहीं नहीं कोई देर नहीं हुई है। ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं ब्राह्मण देवता अगर आप बनाएंगे तो हम आपके बहुत रेडी रहेंगे, बहुत कृतज्ञ रहेंगे आपके लिए। तो इस बालक की धीर गंभीर तेजस्वी वाणी और रूप द्वारा की गई विनती से वो पिघल जाते हैं और बीच रात में समझो 12 बजे के बाद में भी दोबारा 3 बार भोजन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बार देर तो हो चुकी है, बालक के सोने का समय गया है, तो उनको कमरे में बंद कर देते हैं, अंदर से कड़ी लड़कियां लगा देती हैं, हाँ पड़ोस की लड़कियां, बाहर से कड़ी जगन्नाथ मिश्रा लगा देते हैं और खुद दरवाजे के बाहर कड़ी लगाकर बैठ जाते हैं कि किसी भी तौर तरीके से बालक बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जब ब्राह्मण वहाँ भोजन करना शुरू कर देता है तब सब सखियाँ कहते हैं अंदर से, बालक अभी गहरी नींद सो रहा है, अभी इसके उठने का कोई चांस नहीं है, आप निश्चिंत होकर ब्राह्मण को भोजन बना दीजिए। और बीच रात मानो आप अभी 1-1.5 बज गए होंगे, हाँ ब्राह्मण पूरा तीसरी बार अपना भोजन तैयार करता है और इस बार भगवान की माया शक्ति के द्वारा सारे लोग सो जाते हैं, जैसे वो कंस के समय पर सो गए थे ना, कृष्ण का जन्म हुआ था, सारे पहरेदार सब सो गए, सारे जगन्नाथ मिश्रा भी सो गए, सखियां भी अंदर सो गई, सच्ची माता सो गई, एवरीबॉडी स्लीपिंग, केवल ब्राह्मण अपना भोग लगाने की तैयारी में है और वो दोबारा प्रेम से गोपाल को पुकारता है मंत्र बोलकर और बंद दरवाजे से निमाई बाहर आते हैं पूरे नंगे नग्न अवस्था में, हाँ गले में माला पहनी हुई है, कोई वस्त्र नहीं है, और उस बार आकर पूरे दोनों हाथ से पूरा भोग खाते हैं उसका,
और तीसरी बार पुकारते हैं हाय 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 हाय, सुनने वाला कोई नहीं है, सब लोग सो रहे हैं। और उस समय हो आश्चर्यम, उनके आंखों के सामने निमाई जो है वो वृंदावन कृष्ण बन जाते हैं, ग्वाल बाल बन जाते हैं, गोपाल बन जाते हैं, उनके पीछे सारी गायें प्रकट हो जाती है, सारी गोपियां ग्वाल बाल गाय चराने के भाव में प्रकट हो जाते हैं। मतलब ऐसा कोई चित्रपट प्रकट नहीं होता है, पूरा लाइव सीन प्रकट होता है, बैकड्रॉप, लाइव बैकड्रॉप, गाय चर रही है, ग्वाल बाल चरा रहे हैं, गोपियां दूध निकाल रही है, गीत गायन कर रही है, यशोदा मैया पूरा वृंदावन के कल्प वृक्ष सारा वृंदावन के 12 फॉरेस्ट सब दर्शन देते हैं। और बाद में बालक कहता है अरे ब्राह्मण देवता, बार बार मुझे को पुकारते हो तो मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा, और जब मैं आता हूं तो हाय हाय करते हो, कैसे ब्राह्मण हो तुम मुझे पुकारते हो और मैं आने के बाद हाय हाय करते हो, मैं वही गोपाल हूं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में, देखो मेरे वृंदावन का दर्शन करो। तो ब्राह्मण जो है ना पूरा भाव विभोर हो जाता है, उसके आंखों से नदियां बहती हैं अश्रुओं की, रोमांच खड़े हो जाते हैं, बार बार जमीन पर बेहोश हो जाता है, बार बार कृष्ण उसको हाथ लगाकर उठाते हैं, बार बार बेहोश हो जाता है, बार बार भगवान जगाते हैं उसको, और फिर कहते हैं कि ये अद्भुत तो रहस्य आपने आज देखा है, तुम मेरे जन्म जन्मांतर के भक्त हो, जब मैं नंदगांव में था तब भी तुम मेरे घर पे आए थे, जन्म जन्मांतर जब जब मैंने अवतार लिया है तब तब ब्राह्मण के भेष से तुमने आकर मेरी लीला में भाग लिया है, और तुम्हारा भोग मैं हर जन्म में स्वीकार करते आया हूँ। और कहते हैं कि ये जो आप तुम देख रहे हो कि मैं स्वयं कृष्ण हूँ परम भगवान, ये आपको किसी को बताना नहीं है, हाँ आपको कोई सनसनीखेज खबर पता चली है, सनसनीखेज वस्तु का अनुभव हुआ है और आपको किसी को बताना नहीं, तो कैसे आपकी अवस्था होगी टू डिफिकल्ट। लेकिन अगर तुम किसी को बताओगे तो नरक में जाओगे और भयंकर दुख पाओगे, मेरा शाप पाओगे, मैं स्वयं तुम्हें दंड दूंगा, ऐसे कृष्ण खुद को बताते हैं। कुछ दिन मेरे घर के सामने रहो और मेरी लीलाओं का दर्शन करो। तो ब्राह्मण जो है ना वो सारा चावल जो बनाया था ना पूरा शरीर पे मुंह पे बॉडी पे लगा के पूरा कूदता है, गिर जाता है, उठ जाता है जोर से, गोपाल गोपाल बोलो, गोपाल गोपाल गोपाल। तब वो दृश्य समाप्त हो जाता है, वो सारा चावल शरीर पर लगाता है तो चिदा सब सब लोग उड़ जाते हैं। जगन्नाथ मिश्रा भाग के आते हैं कि बाहर वापस आया क्या, दोबारा आया क्या, वो किधर है, कोई इधर नजर नहीं आता है। तो सबको देख कर ना अपनी वो जो दिव्य आनंद का अनुभव को रोक लेता है, वो इज ट्राइज टू कंटेन इज एक्सटेसी ग्रेट डिफिकल्टी, और फिर चुपचाप चावल खा लेता है, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, वो आनंद हुआ ना अभी तीसरी बार खाने को मिला रात को मुझे, इसलिए मैं आनंद से भी आनंद विभोर हो गया ऐसे जगन्नाथ मिश्रा को बताता है। तो मैं बार बार सोचता था, क्योंकि ये नाटिका जो है ना, मैं जब सऊदी अरब में था तो इसका स्क्रिप्ट मैंने वहाँ बैठ के लिखा था, और हमारे द्वारकाधीश प्रभु ब्राह्मण थे और बाकी लोग भी एक्टर थे, तो मुझे हमेशा ये जब मैं स्क्रिप्ट लिखा इसका तो मुझे प्रश्न था कि निमाई पंडित इस ब्राह्मण को बताते हैं कि ये तुम मेरे जन्म जन्मांतर के भक्त हो और ब्राह्मण के रूप में हर अवतार में तुमने सहभाग लिया है, तुम्हारे भात मैंने खाया है, तो कौन होगा ये ब्राह्मण। तो पढ़ते 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 एक दिन वर्णन आया यशोदा के मायके का, कहाँ है उनका मायका पता है किसी को, मेहरानो, हाँ नंदगांव के आगे 8 किलोमीटर है, कामा के रास्ते पर 3 किलोमीटर, फिर अंदर 5 किलोमीटर, ऐसे 8 किलोमीटर के अंदर गांव है मेहरानो जिसमें यशोदा देवी का जन्म हुआ था, सुमुख गोप और पटुला देवी उनकी माता पिता का नाम है, उनको 3 भाई और 1 बहन थी। तो यशोदा देवी की शादी हुई नंद महाराज के साथ, ब्रिश्वानु महाराज ने उसका प्रपोजल दिया और शादी हो गई, लेकिन आप सब जानते हैं कि बड़े दिनों तक उनको बालक संतान प्राप्त नहीं हुआ। फिर वो नदी किनारे गए गोकुल यमुना किनारे, फिर संतान प्राप्त हुई, फिर कंस का आतंक हुआ, फिर लौट के नंदगांव आए। जब लौट के नंदगांव आए तो वो वहाँ पर एक ब्राह्मण था मेहरानों में, तो यशोदा पर पिता की तरह प्रेम करता था, जैसे सुमुख गोप थे ना पिताजी वैसे ही उसका प्रेम था यशोदा के ऊपर, और बड़ा दुख था उसको कि मेरी कन्या को बालक नहीं हो रहा है। तो जब बालक होने का समाचार मिला और वो लौट के भी आए ये भी समाचार मिला,
तो वो ब्राह्मण इतना खुश हो गया कि अब मैं मेरी बालिका का दर्शन करने जाऊंगा और मेरे पोते का भी दर्शन करने जाऊंगा। तो ऐसा वर्णन आता है कि जब मायके से नाई भी आता है ना, नाई बार्बर, तो भी ससुराल में उत्सव हो जाता है। समझ में आया आपको? जो ससुराल में गई लड़की है उसको पता चला कि मेरे मायके से नाई आ रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ उत्सव मनाया जाता है। ये तो ब्राह्मण आ रहे हैं, वो पिता के समान प्रेम करने वाला ब्राह्मण आ रहा है। तो ब्राह्मण आए तो यशोदा ने इतने सारे नौकर होने के बाद भी अपने हाथ से गोबर लिपा नंद भवन के आंगन में। नंद भवन का पूरा भूमि जो है गोबर से लिप दिया। अपने हाथ से, इतने नौकर होने पर भी अपने हाथ से दूध निकाला गाय का, और गुलाब खीर बनाई और बहुत सारे व्यंजन बनाए। गुलाब खीर बड़ी विशेष चीज़ होती है, हाँ, गुलाब का स्वाद होता है उसके अंदर। तो ये सारा चीज, ब्राह्मण आए, फिर ब्राह्मण का सत्कार किया गया, उनको सिंहासन में बिठाया गया, उनकी आरती पूजा की गई, उनका सत्कार किया गया, उनको भेंट वस्तु दी गई, फिर भोजन लगाया गया। और जैसे भोजन लगाया गया तो वो ब्राह्मण जो है वो शालिग्राम की पूजा करता था, तो अपने शालिग्राम शिला को भोग लगाने के लिए बैठ गया वो, और बड़े प्रेम से उनको भोग लगा रहा है। उतने में कृष्ण जो है, हाँ, छोटे से दौड़ के आते हैं और दोनों हाथ में हाथ डालकर उसकी खीर खा लेते हैं। तो ब्राह्मण भी बोलता है हाय हाय। यशोदा भाग भाग के आती है, बोले नटखट कृष्ण तुम इतने कैसे नटखट हो गए, तुम जानते नहीं वो ब्राह्मण देवता है, वो उनके लिए मैंने गुलाब खीर बनाई, तो अपने भगवान को भोग लगा रहे थे, तूने आकर तू खाई। तो कृष्ण कहते हैं मैया वो तो मुझे ही पुकार रहा था, मुझे पुकारेंगे तो मैं नहीं आऊँगा तो और कौन आएगा। लेकिन माधुर्य रस का इतना तेज प्रभाव है कि माता को लग रहा है मेरा बालक तो वो उदंड हो गया है, अपने आप को भगवान समझता है। हाँ, अब तक तो सब ठीक था, अभी ज़्यादा ही उदंड हो गया है। वो कह रहे मैया मुझे पुकार रहे तो मैं नहीं आऊँगा तो अपने आप को भगवान समझ रहा है, चल जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना यहाँ पर। फिर विनती करते पिताजी, यानी ब्राह्मण, पिताजी आप बुरा मत मानना, मेरा बालक बहुत नटखट है, आप दोबारा मैं आपके लिए बनाती हूँ सब कुछ। नहीं नहीं बेटा, नहीं कोई बात नहीं, मैं तो फल मूल भी खा सकता हूँ। नहीं 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 बाबा, आप पहली बार हमारे घर पर आए हैं इतना सालों के बाद में। तो वापस पूरे आंगन में गोबर लिपवाती है, पूरा चूल्हे में वापस गोबर लिपवाती है, पूरा दूधा वापस दूध निकालती है, और अपने हाथ से पूरा गुलाब खीर वापस बनाती है और फिर उनको खिलाती है। और तब जाकर फिर बालक आता है। उस समय माता लौट के नहीं आती है, किसी को आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है ब्राह्मण की, और कृष्ण आकर खड़े होते हैं, अरे दादा नाना जी आप बार बार मुझे पुकारते हो और मैं आने पर मेरे लिए आप भ्रष्ट भ्रष्ट कहते हो। तो तुरंत पूरा गौलोक का दर्शन दिखाते हैं उसको, और तब वो कृष्ण भी उनको कहते हैं कि तुम मेरे अनन्य भक्त हो और हर जन्म में तुम मेरा, तुम्हारा खीर और भात खाने के लिए मैं आता हूँ। तो वही वो ब्राह्मण है जो चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी आया है। तो ये कनेक्शन हमको बड़ी कृपा से, यशोदा माई की कृपा से पता चला, क्योंकि यशोदा माई के जन्म दिन के अवसर पर हम नंदगांव गए थे, वहाँ पर ही मोटरसाइकिल से मेहरानो गांव में प्रथम सबसे बार गए थे, तो वहाँ पर ये लीलाओं का वर्णन पढ़ रहे थे, तो ये ब्राह्मण का वर्णन आता है। सब सुंदर लीला है। तो इस प्रकार से आगे जाकर चैतन्य महाप्रभु जो है बड़े हो जाते हैं, तो विद्यालय में पढ़ने लगते हैं, गंगादास पंडित के विद्यालय में। तो एक बार ऐसा उनका पढ़ने का तरीका है कि जो जो पढ़ाते हैं ना गंगादास पंडित जी, एक एक दिन में ग्रहण कर लेते हैं उसको, इतना जल्दी ग्रहण करते हैं कि स्वयं भी एक, कहते हैं ना उसको, असिस्टेंट टीचर बन जाते हैं। गंगादास पंडित जी बड़े प्रेम से इतने बुद्धिमान विद्यार्थियों को देखकर उसके अंडर भी कुछ विद्यार्थियों को देते हैं कि तुम इनको पढ़ाओ। तो कुछ ही दिन में निमाई जो है, वो विद्यार्थी था, वो निमाई पंडित बन जाता है, एक ख्यातनाम पंडित बन जाता है। और गुरुजी ने सिखाए हुए जितने भी तत्व हैं, जितने भी न्याय हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, वो सब कृष्ण के कृष्ण के अंदर बून कर उसको सबको सिखाते हैं। जितना भी व्याकरण है, जितना भी छंद है, जितना भी न्याय है, वो सब चीज़ कृष्ण 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 करके, जैसे बोलते ना वर्ब्स, रूट, टेंस, नाउन, प्रोनाउंस, जितने भी संस्कृत में है, वो सभी कृष्ण के ही आधार पर सबको सिखाते हैं। और कहते हैं कि गंगादास पंडित के विद्यालय में निमाई पंडित के अधिपत्य में जिन विद्यार्थियों को देते हैं, वो बड़ी आसानी से कृष्ण के उदाहरण के द्वारा, कृष्ण के संदर्भ के द्वारा सारा ज्ञान सीख जाते हैं। तो एक दिन एक लड़का आया, वो वैश्य का लड़का था, ग्वाल बाल था,
और वो कहने लगा कि आप मेरे भाई हो। तो सारे जो विद्यार्थी थे, ब्राह्मण विद्यार्थी, उन्होंने प्रश्न कह दिया, कैसे भाई हो सकता है, ये तो वैश्य है। तो निमाय उनको पूछते हैं कि तुम कैसे बोल रहे हो मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ जो है मेरी माँ को अपनी बहन मानती है, तो तुम मेरे भाई हो गए ना। बोला हाँ। बोला ऐसा क्यों आज बता रहे हो? क्योंकि मेरी माँ ने बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बनाई है और मुझे भेजा है तुमको आमंत्रण देने के लिए कि घर पे आकर तुम मिठाई खा लो। तो कहते तुमने अगर इतनी प्रेम से तुम्हारी माँ का मेरी माँ का रिश्ता का वर्णन किया है और तुम मेरे भाई हो ऐसा वर्णन किया है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो सारे ब्राह्मण जो विद्यार्थी उनके मित्र हैं बोलते क्या तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी? बोलते मैं तो जाति का ही ग्वाला हूँ और ग्वालों को ब्राह्मणों के घर जाके खाना खाने में बड़ा आनंद आता है, और ग्वालों को अगर ग्वालों के घर जाकर मक्खन मिठाई मिल रही है तो और आनंद आएगा। तो मेरी कोई जाति वाति भ्रष्ट नहीं होती, मैं जाऊँगा इनके घर। सारे विद्यार्थी अपनी किताब लेकर निमाई पंडित के पीछे, और वो वैश्य बालक जो है वो भी जा रहा है। तो रस्ते में ना बहुत सारी गाय खड़ी है गंगा किनारे और जोर से हम मार रही है। तो निमाई पंडित पूछते हैं गाय सब क्यों खड़ी इधर? थोड़ा पूछताछ करते तो पता चलता है कि गाय सब लोग इकट्ठा होकर डर रही हैं, क्योंकि जल के अंदर एक क्रोकोडाइल मगरमच्छ होने की संभावना है। तो उनको डर लग रहा है कि जाएं कि नहीं जाएं, पानी पिए कि नहीं पिए, प्यास भी लग रही है तो साहस करे कि नहीं करे, इस भ्रम में सब गाय रंभा रही है। तो चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित गायों के बीच में से जाते हैं और कहते हैं अपने मंडलियों को एक कीर्तन आरंभ करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तैयार रहो हमेशा, ऐसे ही महाप्रभु जी के ग्रुप में सब तैयार रहते थे, जब चाहे चालू तुरंत, हाँ सब कुछ स्विच ऑफ हो तुरंत कीर्तन चालू। तो कीर्तन करते ही वो जल में ऐसे उछाल होती है, पूरी जोरदार उछाल होती है, उसमें से मगरमच्छ बाहर आती है और वो कीर्तन के ताल पर नृत्य करती है जल के अंदर। हाँ एकदम पता नहीं कैसे अजीब तरीके से नृत्य करती है, जल पूरा ऐसे फव्वारे उड़ते हैं और अचानक सबके आंखों के सामने नदी किनारे पहुंच गए निमाय पंडित। उनके चरणों में आकर वो वंदन करता है मगरमच्छ। जैसे ही निमाय पंडित के चरणों में वंदन करता है वो एक सुंदर 5 साल का बालक बन जाता है, तेजस्वी देवता बालक बन जाता है। तो निमाय पंडित पूछते हैं ये क्या हो गया चमत्कार, इसका रहस्य क्या है? सब लोग देख रहे हैं ना, गायें भी रंभा रही, भी आनंद से आनंद का अनुभव कर रही है, क्योंकि मगरमच्छ का डर तो समाप्त हो गया और दिव्य तेजस्वी देवता बालक प्रकट हो गया। तो बालक कहता है कि मैं इंद्रलोक का बालक हूँ, 5 साल की उम्र है मेरी, और मैंने खेल खेल में एक बार इस एक ऋषि सोया हुआ था उसकी जटाएँ काट दी मैंने, और बाद में पता चला कि वो ऋषि दुर्वासा मुनि थे। दुर्वासा मुनि ने जब देखा कि सोए हुए मेरे बालों को जटाओं को इस उद्दंड बालक ने काट दिया है तो उन्होंने सोचा नहीं, उसको पता नहीं किसने काटा है, बोले जिसने भी ये कार्य किया है वो मगरमच्छ बन जाएगा, क्योंकि मगरमच्छ को बड़ी काटने की इच्छा होती है। तो उस समय मैं जहाँ पर भी था तुरंत मगरमच्छ बन गया और भाग भाग के मुनि के पास में आया। मुनि महाराज माफ़ करना, मैं एक अनजान बालक हूँ, मैंने तो खेल खेल में ये काम किया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मेरा शाप वापस ले लीजिए। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं शाप तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारा नम्र भाव देखकर मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ कि जब ही हजारों दिव्य युगों के बाद में, अरे कभी की बात है ये, बहुत पुरानी बात, हाँ एक कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे निमाय पंडित बनकर विद्यार्थी बनकर आएंगे वहाँ पर, और जब उनको चरणों का तुम सहारा लोगे, अपने आप को चरणों में समर्पित करोगे तो तुम दोबारा अपना शरीर प्राप्त कर सकते हो। हाँ तो इसलिए मैं कई युगों से यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और आज आप इतने युगों के बाद में आए हैं और मैंने आपके चरणों में शरणागति स्वीकार कर ली है, इसलिए मुझे दोबारा ये शरीर प्राप्त हुआ है। उतने में
एक इंद्रलोक से विमान आता है, उसमें उसके माता पिता खड़े हैं और उनके लिए वहाँ पर एक साल बीत गया है, इंद्रलोक का एक साल बीत गया है, और वहाँ के कहते हैं, हे नटखट बालक, कब कहाँ से गुम हो गए थे, कब से ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर मस्ती कर रहे हो, चलो वापस। उसको लेते हैं और महाप्रभु की कृपा से उनका दर्शन प्राप्त करते करते वो इंद्रलोक चला जाता है। तो उसके बाद में महाप्रभु और बड़े हो जाते हैं, तो वो सब लोगों को पूरे नवद्वीप में कीर्तन के आनंद में डुबो देते हैं और फिर बताते हैं कि हम श्रीवास के घर में कीर्तन शुरू करेंगे। तो सब लोग बड़े आनंद होते हैं, हरि बोल हरि बोल, सब लोग श्रीवास के घर में इकट्ठा होते हैं और दिन भर कीर्तन करते हैं, इतना कीर्तन करते कि सब लोग खाना पीना सब भूल जाते हैं और कई लीलाएँ उसके अंदर है। एक दिन महाप्रभु कहते हैं, बहुत दिनों तक दिन भर कीर्तन का आनंद देने के बाद में एक दिन रात को महाप्रभु कहते हैं कि रात को हम लोग क्यों सोते हैं, वाई शुड वी स्लीप इन द नाइट, क्यों ना हम रात को कीर्तन करेंगे, हमारे में से कितने लोग तैयार हैं रात को कीर्तन करने के लिए। देखो कितना ठंडा रिस्पॉन्स है, देखो। लेकिन तुरंत वहां पर उपस्थित हर भक्त ने कहा, हाँ हाँ रात में क्यों सोना चाहिए, रात में तो माया का प्रभाव होता है, तमोगुण का प्रभाव होता है, बिल्कुल रात में सोना नहीं चाहिए, हम रात को भी कीर्तन करेंगे। तो तब से उस दिन से वो नॉक्टर्नल कीर्तन नाइट संकीर्तन शुरू हो गया। लेकिन उसमें महाप्रभु ने कहा दरवाज़ा बंद करके करेंगे, क्योंकि महाप्रभु जी को अति उत्कट आनंद को प्रकट करने की इच्छा थी जो दिन के उजाले में वो प्रकट नहीं कर सकते थे, और बंद करके गिने चुने लोगों को लेकर ही कीर्तन करना शुरू किया। उसके बाद में जो धुआंधार कीर्तन शुरू हुआ, उसमें कोई बेहोश हो रहा है, हाँ कोई गोल गोल बंडल होके घूम रहा है, कोई बेहोश होके गिर रहा है, कोई छलांग लगा रहा है, छत पे जाके चटक रहे हैं, फिर जमीन पे गिर रहे हैं, जोर से चिल्ला रहे, आक्रोश कर रहे हैं आनंद में। बहुत सारे ब्राह्मण वहाँ पर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको रोका जा रहा है क्योंकि वो योग्य नहीं इसके। एक बार एक दूध पिता ब्रह्मचारी आ गया अंदर, पिटारे में बैठ गया और छुप छुप के पिटारे का दरवाजा ऊपर करके देख रहा था। महाप्रभु ने कीर्तन रोक दिया, बोले कौन है यहाँ पर, आज ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर है जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो श्रीवास जाकर उस ब्राह्मण को ऐसे बालक को उठाता है, कहते हैं महाराज ये बालक है, लेकिन महाप्रभु ये तो बहुत ही तपस्वी बालक है, केवल दूध पीता है ये। तो महाप्रभु कहते हैं क्या लगता है उसे कि केवल दूध पीकर मेरी प्राप्ति कर सकता है, क्या लगता है उसे तपस्या करके मेरी प्राप्ति कर सकता है, जैसे हमारी भाषा में इतना चीप है क्या वो कि केवल दूध ग्रहण करके बाकी सब त्याग करके ये प्रेम भक्ति का आनंद प्राप्त कर सकता है, तो दिखा दो यहाँ से उसको। तो बालक बहुत आनंद से बाहर जाता है, तो महाप्रभु उसके नम्रता को देखकर कहते हैं कि हज क्या शायद कुछ लाखों का वर्ड नंबर बोलते हैं कि लाखों जन्म के बाद भी उसका मेरा दर्शन नहीं होगा उसको, तो फिर भी आनंद करते बाहर जाता है कि लाखों जन्म के बाद तो होगा, अभी भी हो गया है। फिर महाप्रभु उसको दोबारा बुलाते हैं। ऐसे एक बार श्रीवास ठाकुर की मदर माता छुपकर बैठी हुई है, महाप्रभु कीर्तन रोकते हैं, बोलते हैं कौन व्यक्ति यहाँ पर है। तो श्रीवास अपनी सासू जी का बाल पकड़ कर बाहर निकलते हैं, वो चले जाओ बोलते हैं उसको। ऐसे कई लीलाएं हुई है, लेकिन जो ब्राह्मणों को बार बार रोका गया दरवाजा ठोकने पर भी, उनका बड़ा अपमान हो गया, हम तो विद्वान ब्राह्मण हैं हमको भी रोकते हैं। तो उन्होंने ऐसा गलत प्रचार शुरू कर दिया कि रात को ये लोग शराब पीते हैं, औरतों को लेकर जाते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं और फिर शराब के नशे में चिल्लाते हैं, फिर भोग लेते हैं और बड़े कीर्तन का नाटक करते हैं, भक्ति का नाटक करते हैं, फिर जाके काजी को कंप्लेन कर देते हैं कि ये लोग हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। देखो रात में आप दरवाजे के बाहर जाके आवाज़ सुनना कितने जोर से चिल्लाते हैं, ये भोग लेने के बाद जो किलकारी करते हैं ना उसकी आवाज़ है, ये शराब पीकर नशे में की हुई आवाज़ है, हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। हमारे धर्म में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं कि सब जनता में आकर अकेले में रात को चिल्ला चिल्ला कर कीर्तन किया जाए, ये रस्ते में कीर्तन किया जाए, ऐसा हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो काजी जो है ना वो आता है फिर सैनिकों को लेकर, और ये सब कहाँ पर हो रहा है, श्रीवास के घर पे हो रहा है। तो काजी सैनिकों को लेकर आता है, घर में प्रवेश करता है, वहाँ पर मृदंग लिखा रहता है उनका, धाड़ करके मृदंग तोड़ देता है, खोल भंग डंगा, कहते हैं अभी केवल मृदंग को ही तोड़ रहा हूँ, तुम सबको भी तोड़ने में देरी नहीं होगी,
इस कीर्तन को बंद करो, तुरंत बंद होना चाहिए। सुना आप लोगों ने? सब लोग भक्त लोग कांप जाते हैं, क्योंकि काजी का बड़ा दराना था, वहां पर राज्य था उनका उधर। तो काजी धमकी देकर मृदंग तोड़कर चला जाता है। रास्ते से गंगा किनारे निमाई पंडित आ रहे हैं, उनकी उनकी नजरादर होती है, मतलब देखते हैं। काजी उनको देखता है, महाप्रभु उसको देखते हैं, चले जाते हैं। और काजी अपने घर चला जाता है सीमांत द्वीप की ओर, और ये श्रीवास आंगन में आते हैं। तो श्रीवास जो है वो नरसिंह भगवान का पुकार रहे हैं, उसको डर के मारे धावा, मराठी बोलते हैं धावा कर, तो मुझे ऐसा पुकार रहे हैं जान की बाजी लगाकर। तो महाप्रभु आते हैं, बोलते हैं श्रीवास क्यों डरते हो, मैं हूं ना, काजी का इलाज मैं करूंगा, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो नरसिंह भगवान का पूजा करते रहते हैं, और फिर उस रात वो तय करते हैं सब भक्त लोग इकट्ठा हो जाओ, संध्या के समय इकट्ठा हो जाओ, जब हमारा कीर्तन का आरंभ होता है। लेकिन आज के दिन हम घर में कीर्तन नहीं करेंगे, आप सब मशाल लेकर आओ, हम सब लोग मशाल जलाएंगे, और आज हम पहली बार हमारा जुलूस निकालेंगे। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत जगह वर्णन आता है कि सबसे पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो, असहकार चळवळ। और सबसे पहले रोड पर किया हुआ कीर्तन उस दिन हुआ, सबसे पहला रोड पर किया हुआ कीर्तन था वो। उस तब तक तो श्रीवास के घर पे हुआ था, दिन में होता था, फिर रात में होता, लेकिन जगह एक ही थी केवल, बस एक ही जगह पर, पहले ओपन दरवाजे में, बंद दरवाजे में, लेकिन स्थान एक ही था, बाहर कभी निकले नहीं थे उसके पहले। तो कुछ ही क्षणों में लाखों और लाखों लोग इकट्ठा हो गए, पूरे नवद्वीप से सब लोग इकट्ठा हो गए, सब लोगों ने मशाल जलाई, हजारों लाखों मशालें प्रज्वलित हो गई। और महाप्रभु ने कहा कीर्तन आरंभ करो। जो सब लोग काजी के भय से कांप रहे थे, हाँ, काजी के भय से कांप रहे थे, वो अभी एकदम हिम्मत वाले बन गए। हाँ, इसको कहते हैं मॉब मेंटेलिटी। हाँ, अकेला होगा अभी तो बहुत डरपोक रहता है, लेकिन जब चार लोग के साथ में आता है ना, तो वो भी डरपोक आदमी भी शक्तिशाली बन जाता है। तो महाप्रभु जी के नेता है, महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में वो कीर्तन मंडली जो है वो आगे बढ़ रही है काजी के घर के पास। तो काजी को खबर मिलती है कि ये लोग इतनी इनकी हिम्मत, मैंने इनको मना किया था, अब तक तो कमरे में कर रहे थे, अब मना करने के बाद में रोड पे कर रहे हैं, इतनी इनकी हिम्मत, जाओ सैनिकों सबको ख़त्म करके आओ। सैनिक निकले बाहर अपना शस्त्र लेकर, तो जैसे ही वो आए ना, तो बहुत सैनिकों की दाढ़ियाँ जलने लगी, अपने आप आग लग गई दाढ़ियों को, तो एकदम डर गए वो लोग। तो जिनकी दाढ़ी जल गई वो तो कीर्तन में भाग लेना शुरू कर दिया उन्होंने, दे जॉइन द कीर्तन। और बाकी लोग इतना समुदाय देखकर बोले, इतने हम लोग कम संख्या में हैं, लाखों की संख्या में मशाल लेकर हम लोग क्या टिक पाएंगे। वो लोग भाग गए, आधे लोग भाग गए, आधे लोग कीर्तन में ज्वाइन हो गए, पूरा वस्त्र जो है ना अपना दाढ़ी को कवर करके, इधर तुम्हारे बीच में से एक ही आदमी ऐसे करके घुस गए और कीर्तन में भागने लगे। जान बचानी है तो कम से कम एक नाटक करना ही पड़ेगा। और कुछ लोग बच के भागे और काजी को बोला, काजी जब हम गए तुम्हारी दाढ़ी जल गई, हमारी ज़िंदगी की कुछ खैर नहीं है, आपको भी बताने आए हैं कि हमारी ज़िंदगी भी खतरे में। तब तक ये जुलूस जो है चिल्ला चिल्लाते हुए कीर्तन करते हुए, रोरिंग टमल्टुअस कीर्तन, आसमान में गूंज रहा है आवाज़ पूरा। और जब काजी के घर पास पहुँचे ना, तो काजी जो है ना अपने घर के ऊपर वाले मंजिल में चला गया, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, पता नहीं कितनी मंजिल थी, सबके ऊपर वाले मंजिल में सबसे आखिरी कोने में रूम में जाके छुप गया वो। और जैसे ही घर के पास पहुंचे ना, उसके लोग चिल्लाने लगे, काजी को मार डालो, काजी को मार डालो, ऐसे जोर जोर से गर्जना सुनाई पड़ने लगी। उसको सुनाई पड़ रही है, इतना बड़ा मॉब जो है वो चिल्ला रहा है काजी को मार डालो। महाप्रभु ने कहा शांत हो जाओ, मैं जाके देखता हूँ क्या बात है। दरवाज़ा खटखटाते बहुत देर, दरवाज़ा खोलते ही नहीं है। फिर महाप्रभु चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, काजी दरवाज़ा खोलो, हमें बात करनी है आपसे, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर काजी नीचे आके दरवाज़ा खोलता है, फिर काजी क्या कहता है, अरे तुम्हारे नाना जी मेरे क्लासमेट थे, उस हिसाब से तुम मेरे भतीजे लगते हो, तो भतीजे को काका पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा मैंने कुछ कह दिया तो इतना नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, कृपा करके गुस्सा मत करो। तो मैंने कहा मैं अतिथि बनकर तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, तुम्हारा यही तरीका है अतिथियों को स्वागत करने का, तब से दरवाजा तो खोल देते,
दरवाजा खोलते, ठीक है बैठो भतीजे बैठो आप बात करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर शास्त्रार्थ से विचार किया कि तुम्हारे धर्म में ऐसा क्यों करते हैं, गाय की हत्या क्यों करते हैं, ऐसा बहुत सारे विचार। और वहाँ पर काजी और महाप्रभु चैतन्य के बीच में जो संवाद हुआ, उस संवाद के परिणाम स्वरूप काजी जो है वो भक्त बन गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु के प्रेममय संवाद के आदान प्रदान के कारण चांद काजी जो है वो कंस का अवतार था, वो भक्त बन गया। और उसी समय उसने आदेश दिया कि आज के बाद ही महाप्रभु हम आपको वादा करते हैं कि हमारे सैनिक में से, हमारे परिवार में से, हमारे बिरादरी में से कोई भी व्यक्ति आपको विरोध नहीं करेगा, आप जहाँ चाहे जब चाहे जिस तरह से चाहे आप संकीर्तन कर सकते हैं। क्योंकि तो महाप्रभु उसको पूछते भी पहले कि कैसे आपने हमारे घर में आकर मृदंग तोड़ा। तो ये कथा जो है ना बहुत प्रेरणादायी कथा है, एक साहस की कथा है, एक हिम्मत की कथा है, एक डेयरिंग की कथा है। भक्त लोग कहते हैं ना, हमारे रामदास स्वामी भी कहते हैं कि समय पड़ेगा तो हम कमल से भी कोमल हैं और समय पड़ेगा तो वज्र से भी कठोर हैं। तो वैष्णव की पहचान है ये कि जब तक भक्ति हो रही है, आनंद हो रहा है, प्रेम हो रहा है, तो एकदम कमल से भी मुलायम है वो, लेकिन जब संकट आता है तो नाठाड़ा छे माती हाणू काटी, तुकाराम महाराज कहते हैं। तो इसलिए भक्तों को वो कैसे डरपोक बनकर रहना नहीं चाहिए, अपने अस्तित्व को, अपने धर्म को बचाने के लिए, संभालने के लिए, वृद्धि करने के लिए साहस की भी जरूरत है। हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से हम कोमल बन जाते हैं, नम्र बन जाते हैं, तृणादपि सुनिश्चय न कभी, उस रास्ते पर हमारी यात्रा शुरू होती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम डरपोक बन जाते हैं, और हमको डरपोक बनना चाहिए। या वो कहते हैं ना कि उसने गाल पर एक मारा, दूसरा गाल आगे करना चाहिए, इस पर भी मारो, ये वैष्णव का तरीका नहीं है। वैष्णव जो है वो जब चाहे जब झाड़ू लगाता है, कब चाहे तो व्यवहार भी करता है, मतलब आदान प्रदान बिजनेस भी करता है, जब चाहे तब शासन भी कर लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन, और जब चाहे तो प्रवचन भी कर लेता है, डीटी वर्शिप भी कर लेता है, क्योंकि वो वैष्णव है। वैष्णव चार वर्णों के ऊपर होता है, ज़रूरत के अनुसार वो चारों वर्णों के काम कर लेता है, लेकिन उसकी स्थिति कभी बदलती नहीं है, वो शूद्र नहीं बनता है जब झाड़ू लगाता है तो, क्योंकि वो चारों वर्णों के परे की स्थिति है। लेकिन वैष्णवों का कर्तव्य ये भी है कि जब धर्म पर आघात होता है तो महाप्रभु ने उसका आदर्श स्थापन किया है। हम लोग आपको क्या कहते हैं उसको गलत उदाहरण नहीं दे रहे, स्वयं महाप्रभु जी ने बताया है। जब काजी के द्वारा धमकी दी गई तो महाप्रभु चैतन्य वहाँ पर आए, पहले श्रीवास को उन्होंने सांत्वना दिया और फिर ऐसा एक लीला खड़ा कर दिया कि जो काजी इतना आतंकवादी था, जितना एग्रेसिव था, वो एकदम भक्त बन गया वो पूरा। और महाप्रभु ने कोई धमकी वमकी नहीं दिया उसको, कोई कठोर वचन नहीं, केवल शास्त्रार्थ विचार किया उससे, लेकिन अपना बल जो अपने पीछे है वो सब दिखाया उन्होंने। सबसे पहला तो नरम कैसे पड़ गया वो, इतना जन समुदाय देखा ना भक्तों का, उधर ही पिघल गया वो। तो हम लोगों को सबको भक्तों के बीच में एकता होनी चाहिए, संकट आने पर भक्तों को खड़ा होना चाहिए। हमारी भी बहुत बड़ी संख्या है लेकिन हम लोग बहुत डरते हैं लोगों से, और एक आतंकवादी आता है तो हम लोग सब लोग भाग जाते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को इकट्ठा किया और एकता का बल दिया उनको, तब चांद काजी जैसे खूंखार आतंकवादी से भी सब शांत हो गए, वो भक्त बन गए। तो महाप्रभु जी का हमारे लिए आदेश क्या है, महाप्रभु जी कहते हैं भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। और एक वाक्य कहा गया है जो आज का कथा समाप्त होने के लिए इस पर चर्चा होनी चाहिए, हमारा आज्ञा होइया ता गुरु तार ए देश, जरा देखो तारो को हो कृष्ण उपदेश। महाप्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर लीला किया है, बहुत मधुर लीला किया है, मनमोहक लीला किया है, प्रेम लीला किया है, प्रेम संकीर्तन किया है, प्रेम का आवेश लोगों को दिया है, लेकिन आदेश भी कुछ दिए हमको। वो स्वयं कहते हैं कि हमारा भारत देश कितना महान है, अनंत जन्मों के पुण्य के बाद इस भारत में जन्म मिलता है।
तो जब कोई बड़ा भाग्य प्राप्ति होती है ना, तो बड़ी जिम्मेदारी भी आती है उसके साथ में। कोई बड़ा भाग्य जो है वो ऐसे फ्री में नहीं आता है। तो महाप्रभु जी हमको बता रहे हैं, अगर हम सब महाप्रभु जी के अपने आप को अनुयायी मानते हैं, अगर हम सब आपको अपने आप को महाप्रभु के आंदोलन के हिस्सा मानते हैं, ये समझते हैं कि हमने इस संप्रदाय में दीक्षा लिया है, महाप्रभु जी से हमारा संप्रदाय संबंधित है, महाप्रभु जी गौड़िया संप्रदाय में प्रवेश कर चुके, ईश्वरपुरी के शिष्य बने, उन्हीं के शिष्य शे गोस्वामी और उन्हीं श्री गोस्वामियों के शिष्य हम परंपरा में आते हैं, और हमारा भी संलग्न दीक्षा उन दीक्षा में संप्रदाय में हुआ है। अगर हम इस बात को मानते हैं कि हम महाप्रभु के संप्रदाय के अनुयायी हैं, हम गौड़ीय वैष्णव हैं, हम रूपानुग हैं, तो हमारे लिए आदेश लागू है, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्मजार। अगर हम सब लोग का जन्म भारत भूमि में हुआ है, तो हमारा प्रथम परम कर्तव्य है कि हम सब स्वयं भक्त बने, अपना जीवन सार्थक करें। लेकिन वहाँ पर हमारा कर्तव्य समाप्त नहीं होता है। जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार, परोपकार करना हर भारतीय का कर्तव्य है, और हम अपनी भारतीयता को ही भूल चुके हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि हमारी देश की जो देशभक्ति है वो दिव्य भक्ति का ही अंग है। अगर आप अमेरिकन होते और अमेरिका की देशभक्ति करते, तो आपकी अमेरिका की देशभक्ति भगवान की भक्ति नहीं है। लेकिन भारतीय आप हैं और भारत की देशभक्ति करते हैं, तो आपकी भारत की देशभक्ति प्रेम भक्ति का एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि आपका देश इतना महान देश है, संतों का देश है, भगवान के अवतार का देश है। हर एक भगवान के भक्त संत इनका अवतार इस देश में हुआ है, इनके चरण चिन्ह जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। इसलिए दो मिनट में समाप्त करेंगे। इसलिए हम सब लोगों को हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, इसके बारे में बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। स्वयं को उद्धार करते हुए हम सब लोगों को दूसरों का भी उद्धार करने का विचार करना चाहिए। परोपकार का मतलब क्या होता है? पर उपकार, और सही उपकार क्या है? जब तक जीव भगवान के साथ जुड़ने जाता है, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। उसका उपकार की व्याख्या ये है, जीव का भगवान के साथ में संपर्क करा देना। लेकिन उसके लिए हम सबका श्रद्धा और निष्ठा भारतीय होने पर होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भारत के गौरव का वर्णन कर रहे हैं, हमारे और आपके जन्म का जो महानता है उसका वर्णन कर रहे हैं। और हम सब लोगों को संक्षेप में कहा जाए तो हमारी रहन सहन, हमारे कपड़े पहनने का ढंग, हमारे खाने पीने का ढंग, हमारे बोलने का ढंग, हमारी विचारधारा का ढंग, ये सब भारतीय होना चाहिए। हमारा हर एक विद्यार्थी स्कूल से बाहर निकलता है तो विदेश जाने की सोचता है, भारत पर श्रद्धा नहीं है, विदेश जाने पर वो महान बन जाता है। हम लोग भी घर में कोई विदेश में लड़का पढ़ता होगा तो बहुत गर्व करते हैं कि मेरा लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है। लेकिन हमें अपने देश पर, अपने मिट्टी पर, अपने संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हम अभी मन से विदेशी हैं, तन से देशी हैं, तन से भारतीय हैं लेकिन मन से विदेशी हैं। हम मानसिक गुलाम हैं विदेशी संस्कृति का। वी आर इंटेलेक्चुअल स्लेव्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर। तो आज के इस गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सब लोगों को अपील करता हूँ, आपके ज़मीर को पुकारता हूँ कि आप अपने भारतीय होने के विषय में विचार कीजिए, अपनी श्रद्धा और अपने आदर्श विदेश में मत बनाइए, अपनी श्रद्धा और आदर्श भारत में बनाइए। हमारे भारत में ऐसे अनंत आदर्श आपके लिए है जो आपको गर्व दिला सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम अपने देश पर आज गर्व नहीं करते हैं और विदेश पर गर्व करते हैं, उसकी संस्कृति को अपना रहे हैं, उसके गुलाम बन रहे हैं, उनके जैसा कपड़ा पहन रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं जैसा हम लोग नहीं सोचना चाहिए। तो आइए इस गौर पूर्णिमा के दिव्य अवसर पर, महाप्रभु जी की अनंत कृपा के इस शुभ अवसर पर मैं आपको ये विनती करता हूँ, ये विनंती करता हूँ, हृदय से विनंती करता हूँ कि हम सब लोग तन से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से भारतीय बने और बड़े गर्व से भारतीय संस्कृति को अपनाएं और गर्व से विदेशी लोगों को बताएं कि हम भारतीय हैं और ये हमारा कल्चर है। इस तरह से हम खाते हैं, इस तरह से पीते हैं, इस तरह से पहनते हैं, इस तरह से बोलते हैं, ये हमारे त्यौहार है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे भारत की धरोहर है, संस्कृति है। तब जाकर चैतन्य महाप्रभु और बाद में श्रील प्रभुपाद जी का जो इतनी सारी मेहनत है वो सार्थक हो जाएगी।
जब हम सब लोग इस जमीर को अपने हृदय से अपना लेंगे, हाँ, तब हम कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं और महाप्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं, कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। कृष्ण भगवान कोई विदेश में नहीं गए थे, कोई भगवान का अवतार विदेश में नहीं हुआ था, कोई संत विदेश में जन्म नहीं लिए थे। यहाँ पर तो भंडार है संतों का और भगवान के अवतारों का, वो सब इस भूमि पर आए हैं। क्यों नहीं हम अपने भूमि पर विश्वास करते, क्यों नहीं श्रद्धा रखते, निष्ठा रखते, क्यों नहीं प्रेम रखते? आइए, भगवान के द्वारा दिए गए महामंत्र के बल पर ही हम सच्चे हृदय से भारतीय बने। और भारतीय होने का मतलब है जो भा और रत, जो कृष्ण भगवान की प्रेम में और भावना में रत रहते हैं, वो भारत देश है और उसके वासी भारतीय हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग महाप्रभु की, श्री गौरांग महाप्रभु की, हरिनाम संकीर्तन आंदोलन की, लील प्रभुपाद की, निथाई गौर प्रेमानंदे गौरांगा।